तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे एक बहुत ही परम मित्र विक्रम पंडित जी उपस्थित है। विक्रम पंडित उर्फ विभव कृष्ण दास इनका नाम है और मैं हूँ कौस्तु भागवत उर्फ कदम्ब कृष्ण दास। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार मेरे अन्य दोस्तों से भी बात की थी कि मेरा एक मित्र है जिसने ये सब जो कुछ आज हमने ये कश्मीर फाइल्स मूवी के माध्यम से और उसके निमित्त से जाना है, देखा है, समझा है, ये इन्होंने अपने जीवन में सहा है। आई थिंक यू आर व्हाट 10 इयर्स ओल्ड व्हेन यू गॉट माइग्रेटेड। जी जी मैं 11 साल का था जब ये सब हुआ। हाँ, तो वो 10-11 साल के थे एंड यू कैन जस्ट इमेजिन उनका पूरा जो बचपन है और उनका जो एडोलेसेंस है इसके ऊपर इन घटनाओं का पूरा प्रभाव रहा है। तो हम चाहेंगे आज उनके साथ एक खुला वार्तालाप हो और उस वार्तालाप के माध्यम से हम उस दर्द को समझने का भी प्रयास करेंगे और ये दर्द जिसने सहा है उसके साथ साथ इन्हें और भी कई सारे पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनके कई अनुभव रहे हैं, इन अनुभवों को हम बहुत अच्छी तरह से एक प्रकार से साझा करना चाहेंगे हमारे मित्रों के साथ। और यही हमारे इस इंटरव्यू का हमारा कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पर पॉलिटिक्स करने का या कोई भी पॉलिटिकल भाष्य करने का। जो जिनका वो काम है वो कर रहे हैं और बढ़िया खूबी से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस माध्यम से हम इनके अनुभवों को जो अमूल्य है, और कोई नहीं चाहता है कि अनुभव किसी के जीवन में आए, लेकिन जिन्होंने ये सहा है इसको हम एक असेट के रूप में भी देख सकते हैं, इसको एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में भी देख सकते हैं और हमारी समाज की और हम सब की गलतियों को सुधारने का एक प्रयास भी कर सकते हैं। तो विक्रम पंडित जी ये एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन और ये एक मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट भी है और मौजूदा स्थिति में वे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल सैंडविक इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं और इन्हें कम से कम 20 साल का भी अनुभव है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विक्रम जी प्लीज यू कैन करेक्ट मी। और ये एक बहुत जाने माने बिजनेस लीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर है ये, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने इनकी प्रोफाइल में देखी कि ये कॉरपोरेट माइथोलॉजिस्ट है। तो ये सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और ये क्या होता है कॉरपोरेट माइथोलॉजिस्ट, वी विल जस्ट कम बैक टू इट लेटर ऑन इन आवर वीडियो। तो बने रही है हमारे साथ। विक्रम जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका इनिशियल रिएक्शन ये जो मूवी आई, क्योंकि मैंने देखा आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आपने कुछ ब्लॉग्स डाले हैं, कुछ आर्टिकल्स डाले हैं जिसको आपने माय कश्मीर फाइल्स करके शीर्षक दिया है, तो आई जस्ट ग्लांस थ्रू इट एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अराउंड 5-6 इयर्स अगो, सो आई हैड एन आइडिया ऑफ व्हाट यू एक्चुअली हैव गॉन थ्रू। बट आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था, ये जो ये मूवी आई और ये इसने ये सच सबके सामने रखा, ये कितना मायने रखता है और इसने आपको एक आपके दुखों को खुरेदा है या फिर आपको एक राहत पहुंचाई है कि नहीं अब लोगों को पता है कि व्हाट एक्चुअली यू गाइस वेंट थ्रू, तो आपका एक एक इनिशियल रिएक्शन इसके ऊपर क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कौस्तुभ जी कि आपने मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाया है और जो मैं शेयर करने की ये जो आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है आपके थ्रू, तो इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद दूंगा। जब ये मूवी पहले आई, क्योंकि हमारे ये जो कश्मीरी हिंदूज के साथ जो भी कश्मीर में हुआ इसके ऊपर पहले भी कुछ बना है, एक बहुत बड़े फेमस फिल्मकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उन्होंने भी प्रयास किया, 3-4 कुछ ऐसे मूवीज बनाई। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं कॉलेज के दिनों में पुणे जब आया था तो एक काफी बहुत ही मशहूर फिल्म आई इसके ऊपर, बट जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गया था एक्चुअली, बिकॉज ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं था जैसा उसमें ऐसा कुछ दिखाया था उसमें तो। बट मेन स्ट्रीम सिनेमा में उसे काफी सराहा गया, कई सारे अवार्ड्स उसे मिले, बट कहीं मुझे वो लगा अपने हृदय में कि ये सच्चाई से कहीं काफी दूर है, तो काल्पनिक है ऑलमोस्ट। और मुझे फिर शायद लगा कि हाँ हो सकता है कि ये जो एक सिनेमा है, एक आर्ट फॉर्म है, तो इसमें काफी काल्पनिक कैरेक्टर्स पात्र रहते ही हैं, तो हो सकता है उन्होंने उस हिसाब से बनाया हो। पर ये जो फिल्म इस बार आई
ये माई कश्मीर, ये जो कश्मीर फाइल्स है इसमें, और मैंने सोचा भी पहले कई बार, पहले कुछ दिनों के लिए मैं अपने आप को मना रहा था कि मैं नहीं देख पाऊंगा, परंतु फिर कुछ मित्र, मेरी धर्मपत्नी, वो कह रही थी कि नहीं ये देखना आवश्यक है, तो फिर हम गए, और फिर जब मैंने इसको काफी करीब से देखा, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ एक कश्मीरी हिंदू के नाते, कि जिसने ये लाइव देखा अपनी आंखों के सामने होते हुए, ये जितना भी इसमें दिखाया गया है कौस्तुभ जी, ये एकदम सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सारा कुछ दिखाया गया है, वो तो असंभव है, एक 2-3 घंटे के सिनेमा में या पिक्चर में, मूवी में उतना तो कवर नहीं कर पाएंगे, परंतु जितना भी इस चित्रपट में कवर किया गया है वो एकदम बिल्कुल सत्य है। ये घटनाएं ऐसी ही हुई थी, हो सकता है हाँ उन्होंने नाम कुछ चेंज किया हो ताकि जो भी कंसर्न उनके हो किसी को ठेस ना पहुंचे, परंतु बिल्कुल और ये ये ऐसी। डायरेक्टर ने मेरे ख्याल से डिस्क्लेमर्स भी दिया है कि उन्होंने कुछ नाम चेंज किए हैं, कुछ घटनाओं को थोड़ा काल्पनिक नहीं कह सकते लेकिन नाट्यात्मक रूप से बताया, क्योंकि ये फिल्म है तो वो करना पड़ेगा। और मैं विवेक अग्निहोत्री जी को भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये केवल 5% भी नहीं है जो कंटेंट उनके पास है, जो उन्होंने इंटरेक्शन किया काफी सारे लोगों से। और जब मैंने मैंने करीब करीब 20-25 साल बाद किसी थिएटर में जाकर कोई मूवी देखी है, और मैं सेकेंड डे गया था विक्रम जी, और मैं जब इसका ट्रेलर देखा ना तो मुझे वो सब बातें याद आई जो आपसे आपने मेरे साथ शेयर की थी, एंड आई वॉज इंस्पायर्ड ट्रूली कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट नहीं है लेकिन ये जागरूकता का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और इसलिए इसको देखना बहुत आवश्यक है, और केवल आपकी वजह से मैं इंस्पायर्ड हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। नहीं, तो ये बात सही है। आई थिंक मैं सहमत हूँ विवेक जी से भी कि इसमें पूरा सत्य बताया गया है, लेकिन ये मुझे, मेरे हिसाब से ये 4 से 5% का जो घटनाएं वहां हुई है उसका एक एक हिस्सा उन्होंने ये जो है हम सबके सामने रखा है। और जिस हिसाब से आज मैं आज की बात करूं, मैं अभी कुछ डेटा मेरे सामने आया था कि 25 करोड़ का ये बिजनेस ये सिर्फ आज के दिन कर सकती है। ये आप इमेजिन कीजिए, दस आज दिन यानी वीकेंड आज है खाली इसलिए। खाली ए नहीं एक वीकेंड नहीं, खाली रविवार की मैं बात अगर करूं तो कहा जा रहा है कि ये करीब 25 करोड़ ये जुटा सकती है। यहाँ मुझे पैसे का नंबर हमको, क्योंकि हम लोग उससे थोड़ा सा अमेजिंग। ये, मैं हाँ कल हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। मैं कल पुणे में आ रहा था, पुणे में हम रहते हैं दोनों भी, तो मैं रोड से जब आ रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ा फ्लेक्स देखा, और एक लोकल पॉलिटिशियन है तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है पब्लिकली के उनके एरिया के, सिंहगढ़ रोड के एरिया के सभी नागरिकों को ये फिल्म मुफ्त में दिखाई जाएगी, और टिकट्स के लिए पासेस के लिए संपर्क करें, ऐसा उन्होंने बहुत बड़ा फ्लेक्स 3-4-5 जगह पर लगाया था। तो ये बहुत बड़ा उत्साह है और बहुत बड़ा एक समर्थन मिल रहा है इस सभी चित्रीकरण को। जी विक्रम जी, तो मेरा मानना यही है इसमें कि मेरी जो प्रतिक्रिया रही इसके ऊपर वो ये थी कि एक दर्द तो उठा, कुछ कुछ जख्म, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पर मलहम आए, बस कुछ कुरेदे गए, ये तो डेफिनेट है, जरूरी हुआ वो, पर कहीं मुझे लगा कि कहीं वो जो अंदर की जो जो पनप रहा था, इतने 32 सालों से कोई मुझे सुन नहीं रहा है। कैन यू इमेजिन, कोई ऐसा व्यक्ति जो 32 साल से गूंगा हो, कौस्तुभ जी, इस पे अगर हम थोड़ा सा एक विचार करें, सोचें कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कहानी बताना चाहता है, अपने देशवासियों को बताना चाहता है, अपने भाई बंधुओं को बताना चाहता है, और वो गूंगा है, और अचानक एक दिन एक बहुत बड़े वैद्य जी आते हैं और उन्हें एक दवाई देते हैं, औषधि देते हैं, और उनकी वो खोई हुई जबान वो आ जाती है, जिससे वो अपने भाई बहनों से बात कर सके, उन्हें बता सके कि उनके मन में कितनी पीड़ा है। तो ये 32 साल का ये पीड़ा, और इसीलिए, वरना अगर आप देखेंगे पिक्चर बहुत ही साधारण बनाया गया है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो इतना शक्तिशाली है कि इसीलिए लोग वो टच कर रहे हैं, उनके हृदय में जा रहा है ये संदेश, क्योंकि ये वो नई मूवी नई कार्ड में है। विक्रम जी, मैंने देखा कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द वो मूवी घूम रही है, और वो डिबेट का पॉइंट है कि वो जेनोसाइड था या एक्सोडस था, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
देखिए, कई सारे जो हमारे पत्रकार मित्र या जो एक मीडिया कहा जाए, देखिए उनके लिए तो वो डेफिनेशंस क्रिएट करने में और दिल का पहाड़ बनाने में और पहाड़ का दिल बनाने में वो मतलब हम उस कैटेगरी में नहीं आते, हम साधारण व्यक्ति हैं। देखिए, 7 लाख लोग का प्रलायन हो जाता है, 7 लाख, इज दैट सो? 7 लाख। ऑफिशियल फिगर 5 से 6 लाख के आसपास है, पर ओवरऑल करीब 7 लाख लोग एक बहुत ही सुंदर जगह से खदेड़े जाते, उनकी इच्छा के विरुद्ध कत्लेआम मचाया जाता है। अंग्रेजी तो ऐसी भाषा है कि भाई ये मुझे इतना समझता नहीं, पर मेरे हिसाब से ये जेनोसाइड कहलाया जाए। आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज बताएंगे, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 10-11 साल तक अगर आप वहां पर रहे हो, तो आई एम श्योर ऐसा तो नहीं है कि हम 10-11 साल की उम्र की बातों को भूल जाते हैं. सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग समथिंग, यू वुड लाइक टू यस, शेयर ऑफ सम चाइल्डहुड मेमोरीज? तो पहली मेमोरी मुझे याद आ रही है, बताना चाहूंगा। मुझे याद नहीं मैं कितने साल का था, पर मुझे ये याद है मैं अपने दादाजी से बात कर रहा था। हमारे गांव में कुलगाम नाम का एक जिला है, वहां हमारी काफी जमीन पुश्तैनी जमीनें थी, बहुत बड़ा कोठी थी, 4 मंजिल की कोठी थी, तो वहां रहते थे। हम तो आते जाते रहते थे, पापा शहर में रहते थे, श्रीनगर में। तो एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि ये हमारी जमीन कहाँ तक है, तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ तक दिखता है। तो मैंने बोला ये दूर एक बरगद का पेड़ था और वो मुझे इतना सा दिख रहा था। मैंने वाह, बोला वो दिख रहा है, तो उन्होंने बोला अपना ही है। अच्छा. और हमारे वहां पे पेड़ लगे रहते थे अखरोट के, कभी आज मैं हाँ 1,000-2,000 रुपए किलो खरीदता हूँ तो कभी मैं हमारे आंगन में से गिरे रहते थे। हम फिर अपने मजदूरों को दे देते थे कि भाई आप घर ले जाइए, अखरोट खाइए। हाँ तो अखरोटों के पेड़ होते थे। मेरे फादर बिजनेस में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर थे वो, और अंपायर टेलीविजन करके कंपनी के पूरे एरिया के सर्विस हेड थे तब। और हमारा खुद का श्रीनगर में भी उन्होंने मकान बनाया, पालन पोषण हमारा काफी अच्छा रहा, खाना पीना, सेब पेड़, मतलब जो आपको चाहिए, हमारे बाग बगीचे थे, सब्जी खुद की उगती थी। और मतलब अगर मैं आपको एक बताऊं कि भौतिक दृष्टिकोण से हम काफी ही मतलब एक अच्छी स्थिति में थे। और फिर मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं जो बचपन के, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि उस समय 87 में मैं शायद करीब 3rd में पढ़ता था, तो तब मेरे दादाजी ने, क्योंकि वो उनके पास वॉच का बिजनेस हुआ करता था, तो मेरे उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी घड़ी, उसका नाम था HMT कोहिनूर, ब्लैक रंग की थी, मुझे भी याद। और बड़े गर्व से मैं पहन के मैं स्कूल जाया करता था, क्योंकि पूरे स्कूल में एक ही लड़का हुआ करता था जिसके पास घड़ी होती थी, और वो था मैं। तब तक मैं सीख लिया था कि समय कैसे बताया जाए, क्योंकि क्वार्ट्स होती थी उस जमाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स तो इतना चलन नहीं था। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कौस्तुभ जी, जो हमारे आगे के वार्तालाप में आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और दर्शक भी उसे समझ सकते हैं कि जो मानसिकता थी वहां उस समय, मैं करीब बात कर रहा हूँ 87-88 की, 1987-88 की। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ सुबह के करीब 8:30 बजे, मुझे ये याद है, ये कभी भूलेगा नहीं कि 8:30 हुए थे, क्योंकि मैं उस रोड पे जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे रोका जो करीब जिसकी उम्र शायद होगी 30 से 40 साल के बीच में। तो उन्होंने मुझे पूछा टाइम कितना हो, समय क्या है घड़ी से। मैंने घड़ी की तरफ देखा और मुझे याद है 8:30 बजे थे। मैंने बोला 8:30 हुए हैं अंकल। तो उन्होंने बोला नहीं, बोलो 8 बजा है। हमने बोला नहीं, 8:30 हुआ है। हमने बोला नहीं, 8 बजा है। हमने फिर से बोला, हमने बोला नहीं, हमने दादू से पूछा है, दादू ने बोला जब ये बड़ा हैंड 6 पे रहता है तो मतलब 8:30। उन्होंने मेरे घाल पे जोर का चाटा झड़ दिया और कान मरोड़ दी, बोला कि बोलो 8 बजा है। तो हमने बोला ठीक है 8 बजे। हम डर गए, हमने सहम गए, हमने बोला ये भाई हम तो सच बोल रहे हैं।
मैं निकल गया। अब मैं आपको बहुत ही सत्य एक ये जो घटना मैंने बताई आपको, पर ये भी सत्य है कि मैंने किसी को इसके बारे में बोला नहीं, पर कई सालों तक मैं ऐसे भूल भी गया था। तो बाद में एक दिन मुझे याद आया, तो मुझे याद है कि इस आदमी ने मारा क्यों मुझे। लेकिन तब तक क्योंकि समझ आ चुकी थी, हम शायद 12वीं 10वीं 12वीं में पढ़ता था जब आप प्रलायन कर गए थे वहां से, तो तब मुझे याद आया कि ये 8 बजे मुझे क्यों बता रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भारत से आधा घंटा पीछे। ओह दैट्स सो वाओ तो आप ये है एक छोटी सी एक घटना है, पर कहते हैं ना कि जब आप किसी गृहिणी को, जब एक चावल का पतीला पूरा पका है या नहीं, वो हर कोई दाना देखती नहीं है, वो एक दाना उसमें से उठा के बस देखती है और बता देती है कि ये पक गया है या कच्चा है। तो आप एक और इस आप कितने एक्सपीरियंस कितने वर्ष की उम्र के थे तभी? हाउ ओल्ड वर यू? 7 8 ईयर्स? से, मैं 7 8 साल का रहा हूँ, तीसरी में, तीसरी कक्षा मुझे याद है क्योंकि तीसरी में मुझे घड़ी मिली थी। और अब तक आपके मन के ऊपर वो इम्प्रेशन है? और मुझे याद है वो घड़ी, घड़ी का रंग मुझे याद आ रहा है, मुझे दिख रहा है चिमटी कोहिनूर लिखा है, नीचे लिखा है पारा शॉक 17 जूल्स। मुझे लगता था कि इसमें हीरे जवाहरात गड़े हैं, तो मैं सबको बताता था स्कूल में कि इसमें जूल्स हैं, आप लोगों को पता है क्या, ये बहुत महंगाई महंगी घड़ी है। अच्छा, आपके भाई बहन कोई रहे? हाउ आर योर मेरे सिबलिंग्स? छोटे एक भाई थे, छोटे एक भाई हैं अभी भी ऑफकोर्स, भगवान की कृपा से बॉम्बे में अच्छा, वो एक कंपनी के मालिक हैं, उनकी खुद की एक कंपनी है क्रिएटिव एजेंसी क्राफ्ट जार करके, इस समय वो उसके को फाउंडर और सीईओ है उस कंपनी के, और या और मेरे से 2 साल छोटे हैं वो। तो जब हम वहां से प्रलयन किए थे तो मैं 10 11 साल का था और वो 8 9 साल के रहे हैं। कैसा रहा आपने, जो आप ये पलायन शब्द बारंबार यूज कर रहे हैं, तो आप जब वहां से पलायन किए, यू गॉट आउट ऑफ इट, उसके बाद क्या हुआ? आप कहाँ गए, कहाँ रहे, कैसा रहा? एंड वो यू वॉज इट प्लान्ड, और वॉज इट वन ऑफ अ सडन, एक रात को आप उठे या एक दिन सुबह उठकर उठे और निकल पड़े? कैसा था वो ओवरऑल बाकी? देखिए आपको पता ही होगा कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी दो राजधानियां हैं, या जैसे जिस प्रकार दो स्टेट ऐसे हैं जिनकी एक ही राजधानी है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताऊं, पंजाब और हरियाणा, उनकी राजधानी चंडीगढ़ है दोनों की। ना हमारे इसमें एक स्पेशल केस J&K, जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, इसकी समर कैपिटल अलग और विंटर कैपिटल अलग हुआ करती थी। समर जब होती, जब गर्मियां आती थी, तो श्रीनगर इस राज्य की राजधानी मानी जाती थी, और जैसे ही आपका विंटर आ जाता था, या शायद आप शीत ऋतु, जो भी ऋतु आप बोलते हैं, तो वापस जम्मू हो जाता था। तो इसको दरबार मू बोला जाता था, कि ये महाराजाओं की नगरी हुआ करती थी। जम्मू एंड कश्मीर शुरू से ही राजा महाराजाओं के अंडर में थी, गुलाब सिंह, हरी सिंह, तो क्या दरबार मू बोलते हैं उसे। तो पूरा सेक्रेटरेट राज्य का शिफ्ट हो जाता। तो हमारे मामा जी सेक्रेटरेट में थे, तो वो शिफ्ट हो जाते थे जम्मू। तो हम भी छुट्टियां मनाने, क्योंकि 15 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक स्कूल बंद हो जाते थे, अच्छा, बहुत ठंडा होता था, तो बर्फबारी होती नेक्स्ट, थी इसलिए? हाँ जी, बहुत बर्फबारी होती थी, टेम्परेचर्स काफी डाउन हो जाते थे, माइनस माइनस डिग्री चला जाता था, -5 -10 -5। तो मैं 4 जनवरी 1990 को मैं जम्मू मैं कश्मीर से निकला अपने पिताजी के साथ। मैंने कुछ पुस्तकें उठाई, हमारे पिताजी ने बोला कि भाई अभी तो आपको 1 महीने में वापस आना है, थोड़ा पढ़ लीजिए आगे का और फिर वापस आ जाइए। हमने बोला ठीक है। उसके बाद 16 जनवरी, इमेजिन कीजिए, जो आप अपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो नीचे डेट्स दिखा रहे थे, तो डेट सकते हैं, 19 जनवरी 1990 को बहुत बड़ा आतंकवाद का किस्से हुए वहां से शुरू। मेरी मम्मी, मेरी माता जी और मेरा छोटा भाई मेरी मौसी के साथ
16 जनवरी को निकले। तो 16 जनवरी को भी कुछ ऐसा ये लग रहा था, आहट हो रही थी कि ऐसा कुछ वातावरण ठीक नहीं है, कुछ गलत कुछ होने वाला इंसिडेंसेस है। हुए थे, कुछ इंसिडेंसेस हुए थे क्योंकि वो 88 से ही शुरू हो रहा था और 89 में तो काफी अच्छा खासा देखा भी हम, पर हमें इतना नहीं लगा था। हमें लगा था कि सरकार भी तो है। देखिए, जब आप कभी कभार किसी फैमिली में भी आप देखते हैं कि नोकझोंक तो होता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके सामने एक सशक्त लीडर है, एक एक ऐसे नेता है जो कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि कोई मेरे पिताजी हैं मेरे सामने, तो अगर दो भाइयों में कुछ मनमुटाव हो भी जाए तो पिताजी जब तक रहते हैं तो संभाल लेते हैं। तो हमें सरकार के ऊपर तो था कि वह सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो कुछ तो करेंगे। पर एकाद काफी हो रहे थे क्योंकि 89 में ही हमको शाम को लाइट्स ऑफ करने की धमकियां आती थी, तो रात में हम लाइट्स नहीं जला पाते थे, हम लोग अंधेरे में बैठे क्यों रहते थे। ऐसा मुझे क्यों? वो लोग वो एक्सप्लेन नहीं करते थे हमको, वो सिर्फ ऑर्डर्स आता था, पता बोल दिया जाता था कि जिसकी खिड़की से भी लाइट दिखी तो फोड़ देंगे। तो अब हमारे घर में मेरी माता जी, मेरा छोटा भाई और मैं, अब एक स्त्री अबला नारी क्या कर पाएगी। मेरे पिताजी बिजनेस में रहते थे, शाम को काफी देर से आते थे, तो हमारा क्योंकि वो एक बंगलो जैसा था, अलग घर था और सामने काफी जमीन थी, और ऐसा कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स तो आपको पता ही है उस समय तो इतना कुछ रहता नहीं था। एक मेन दरवाजा छोटा सा और फिर आप अंदर आए हमारे आंगन से होते होते होते, बगीचों से होते हुए हमारे एक दरवाजे पे आ जाइए। तो उस और अंधकार में कभी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मुझे याद है उस समय पर हमारे घर का भी दरवाजा ऐसा खुला हुआ करता था दिन भर, कोई बंद करने की भी एग्जैक्टली जरूरत नहीं थी, कोई भय नहीं था। तो लेकिन वो जो टॉर्चर की, तो मैं लगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ शीशे से ऐसा देखता रहता था खिड़की से कि पापा आए कि नहीं आए। वो सहमे हुआ, वो इतना उन्होंने वो कष्ट, एक स्त्री को इमेजिन कीजिए कितने क्या क्या विचार मेरी माँ के मन में आते होंगे। मैं नहीं जानता, मैंने कभी शायद वो हिम्मत साहस ही नहीं जुटा पाया मैं उनसे पूछ पाऊं कि माँ तुम क्या सोच रही थी तब, जब दो छोटे बच्चे अकेले पूरे बड़े घर में जिसमें 4-5 कमरे हो, कुछ ऐसे ग्रिलिंग सिस्टम, ये सब तो तब था नहीं। हमारे यहाँ हम मोस्टली लकड़ी का ही रहते थे और शीशा काफी यूज होता हुआ करता था, तो मैंने ये कभी साहस नहीं कर पाया। तो ये शुरू से ही हो रहा था, परंतु फिर भी हमें लगा कि ठीक है, चलेगा। यहाँ तो इतना तो हमें नहीं लगा कि भाई हमें तो यहाँ से भागना पड़ेगा, तो हम अपना पुस्तक लेके निकल पड़े छुट्टियां मनाने के लिए। भाई वहां थोड़ी गर्मियां रहती हैं तो हम थोड़ा वहां से होके आएंगे। तो जैसे ही हम निकले और पीछे से फिर धीरे 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 हालात इतने खराब होते गए, हम पूछते रह गए अपने घर वालों से। जब हम नानी के यहाँ रहे थे तो सब लोग वहां जमा हुए एक दिन, पापा तो नहीं थे, पापा तो बिजनेस करते थे, लेकिन ऐसा खबर आ रही थी कि हालात बिगड़ते जा रहे। तब मैं लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है। फिर अप्रैल तक पापा फिर फाइनली अप्रैल में वहां से अकेले एक आदमी रात के अंधेरे में और एक ट्रक में जिसमें ऑलरेडी 5 घरों का कुछ सामान जो जो है वो उसके अंदर है, मेरा एक आदमी अकेला कितना सामान उठा के उस ट्रक में लाद सकता है। तो तब तक वो वही थे, अप्रैल तक वहीं पर थे। हाँ, कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वहां से फिर पापा का टेलीग्राम्स आने लगे कि हाँ हो रहे, फिर हालात खराब हो रहे, निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि पापा हम आएंगे, अभी हम कब आए कब आए। एक दिन पापा ने बोला कि पापा बाहर ऐसा, अगर ये हम खिड़कियां मान ले, मेरे हाथ अगर खिड़कियां हैं बड़ी बड़ी सी पूरी ग्लास की पूरी, और बीच में हमारा मेन डोर है, तो पापा वहां सीढ़ियां हमारा एकदम काफी हाई प्लिंथ था, ग्राउंड लेवल से काफी ऊंचा हमने घर बनाया था, नीचे पूरा स्टोन का काम हमने करवाया था क्योंकि विंटर में चाहिए होता था आपको इतना प्लिंथ बेसिकली हाइट। तो वो सीढ़ियों पे बैठे थे, तो इतने में ये कुछ लड़के आए वहां के, यंग लड़के हाथ में पत्थर लेके, और मेरे पापा बोले कि मैं खड़ा था और एक एक करके ये पूरा ग्लास वर्क
मेरे आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा, फेंक रहे थे। क्यों? क्योंकि हाँ, एक हिंदू का घर है। आपके पापा को भी धमकियां वगैरह मिली थी? पापा का क्योंकि बिजनेस था, इसकी वजह से थोड़े कुछ लोग जिनके साथ रिलेशन, उनको काफी फायदा हुआ मेरे फादर से। तो एक बार उनके मित्र ही फिर आए कि बोले कि आपका वहाँ, हाँ बाय द वे मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बताना चाहूंगा, कभी प्रकार जब आप भी मंदिर में काफी सेवा ग्रस्त रहते हैं, सेवा काफी आपका भी रहता है, और आप भी कभी लिस्ट बनाते हैं सेवाओं की कि ये वक्त ये सेवा करेंगे, आप लिस्ट निकालते हैं भक्तों की, आप तो काफी करते ही हैं, और बाद में ये लिस्ट सबको जाता है कि भाई ये आदमी ये लिस्ट ये करे। वैसे ही वहां लिस्ट निकलती थी कि आज इस कश्मीरी पंडित को, इस हिंदू को आज मारा जाएगा, कल इसको मारा जाएगा, परसों इसको मारा जाएगा, उसको हिटलिस्ट वाह, बोला अच्छा, करते, और ये तो ये प्रॉपर काफी आर्मी। ऑर्गेनाइज्ड पद्धति से हो रहा था, इसका मतलब है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके लिए और मूल इतना इतना सब ऑर्गेनाइज होने के बावजूद भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। दैट यही इज तो मैडम मैंने, द बिगेस्ट आयरनी। हाँ, बहुत बड़ी विडंबना है। ये नैरेटिव पे जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है लोगों को यकीन दिलाना। वहां पेपर निकलता था, अल अल्ताफ, मुझे याद है कुछ नाम पापा बोलते थे, मुझे याद है जब स्कूल कभी कभार निकलता भी था, 89 की बात है, तो दीवार पे लिखा रहता था इंडियन डॉग्स गो बैक इन ओ 48 आवर्स, ओपनली ओपन, ये तो ओपन था। और मैंने ये केवल आपको दिखता था, गवर्नमेंट पुलिस किसी को नहीं दिख रहा था, राइट? वही है कि जो कौस्तुभ जी जैसा है कि अगर मैं आप विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो आप उठेंगे एक बार दो बार तीसरी आवाज में उठेंगे, लेकिन अगर आप सोने का नाटक कर रहे हैं तो मैं 1000 बार भी आपको बुलाऊं तो आप नहीं उठेंगे। तो सरकार वही की कर रही थी। जगमोहन जी ने काफी प्रयास किया, केंद्र सरकार से बहुत विनती किया कि आप कुछ कीजिए, ये 87 से 88 से चला आ रहा है, ये बहुत भयानक रूप ले सकता है। तो इसलिए जब ऐसा से कहा ये, जा रहा है कि जो सीएम थे तब के, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने 18 तारीख को ही रिजाइन कर दिया था, और 19 तारीख को जब ये हादसा हुआ एकदम वो परफेक्ट, तब। देखिए ना टाइमिंग, देखिए आप 18 को रिजाइन कर रहे हैं, सीधा लंदन भाग गए और जगमोहन को जलती हुई चिंगारी उनके हाथ में दी गई, और वो कुछ नहीं कर पाते थे, पर उनके प्रयासों से मैं ये इस माध्यम से, आपके वीडियो, आपके चैनल के माध्यम से, मैं लोगों तक ये एक संदेश ये जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि हम कृतज्ञ हैं, इन मुश्किलों में भी हम कृतज्ञ हैं जगमोहन जी के, स्वर्गीय जगमोहन जी के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि उन्होंने उनके उनके जो उन्होंने मेहनत तो और उन्होंने अपना खून पसीना लगाया, उससे कई हजारों लोगों की जानें बची, तो पूरे समाज को उनके प्रति जो कृतज्ञता है जगमोहन जी के प्रति, वो तो श्योर होना चाहिए। जम्मू में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए जम्मू में अगर मैं, ऑफकोर्स लोगों को शायद ये भी कभी और पता नहीं रहता था, जब मैं 98 में पुणे आया था तो पूछता था तो उनको लगता था जम्मू कश्मीर मतलब एक ही, मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है मैम, कश्मीर अलग है और जम्मू टोटल अलग है, क्योंकि यहाँ भाषाएं अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, हल्की देर काफी डिफरेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका वेदर देखिए, कश्मीर में मैक्सिमम टेम्परेचर हमने 28 29 25 यही सब देखा है। हमारे घर में तो वहां एसी तो नहीं था, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, एक खेतान का, एक चकोर का, एक स्क्वायर शेप में एक पंखा जरूर हुआ करता, ये याद है, वो भी हम पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने तो कितनी बार यूज नहीं किया पुराना, कभी कभी हम पेन के साथ उससे खेलते रहते थे बचपन। लेकिन जम्मू एक बिल्कुल दिल्ली जैसा है, जहां टेम्परेचर, गर्मी है। हाँ जी 45 47 जा सकता है, वैसे ही गर्मी, वहां बर्फ नहीं पड़ती पर गर्मी वैसे ही भीषण भीषण, बारिश का मौसम वैसा ही पकड़िए, वर्षा ऋतु वैसी, और शीत ऋतु का तो पूछिए मत, वो तो फिर और भयंकर ठंड वहां पड़ता है। तो अचानक हम इस जगह पे आ गए, लेकिन यहाँ पे 90% मैं ये कहूंगा कि हिंदू समाज से, तो वहां और पे हिंदू मेजोरिटी है। जी लेकिन जब मैं वहां पहुंचा हम लोग, तो गवर्नमेंट ने तो कोई
सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि एक ही सरकार तो एक ही है, तो क्या उनसे अपेक्षा आप कर सकते हैं जिन्होंने मदद की इन उग्रवादियों की कि हमें घर से बाहर फेंका जाए? आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरी जगह के आपका सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, या कोई बंगला तैयार रखेंगे? नहीं, उन्होंने कुछ दूर दराज के इलाकों में, सिटी तो भूल जाइए, जम्मू सिटी से कोसों दूर कुछ जंगलों के आसपास कुछ जमीन साफ करके वहां तंबू लगा दिए, हजारों की मात्रा में तंबू लगा दिए गए, अलग अलग एरियाज में बोल दिया गया जिसको जहां जाना है जा ले जाइए, बैठ जाइए उन टेंटों में, रेफ्यूजी तो हम भी पहुंच गए कैंप्स तैयार किए। रिफ्यूजी कैंप्स पे, जहां जहां आपको टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं, शौचालय की तो सुविधा नहीं थी, कॉमन शौचालय जाना पड़ता था, एक तंबू लगा दिया तो उसे पूरी फैमिली अब रही है, कई लोग सन स्ट्रोक से मर गए, कई लोग डिहाइड्रेशन से प्राण त्याग दिए, कई लोग बिच्छू और सांप सर्प के काटने से हो गए, कश्मीर में सांप वाप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सांप मोस्टली जम्मू में काफी पाए जाते हैं, जहरीले भी रहते, तो मैक्सिमम डेथ्स, काफी डेथ्स तो हमारी जम्मू में भी हुई, पर कारण पलायन ही रहा। तो इसीलिए मैं वापस, वो जो आपने प्रश्न पूछा, तो बहुत ही एक एक जरूरी, एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न आपने पूछा कि एक्सोडस है या जेनोसाइड, ये जेनोसाइड ही है। अगर कश्मीर में 100 लोग मरे तो 10 से 20 लोग जम्मू में भी मरे, अलग अलग तो बीमारियों आपने से कहा मृत्यु। कि जम्मू में 90% हिंदू है, तो उन्होंने आपकी कोई मदद की होगी अवश्य। तो मुझे याद है कौस्तुभ जी, उनको हम लगे कि भाई अचानक आ गए, हमारा मजाक उड़ाए, ओ हमारे ऊपर फ्रेजेस बनाए गए। मैं आपको एक सुनाना चाहूंगा, कांगड़ी आपको पता ही, हम हाथ गर्म करते हैं विंटर में, वो लगती है, कभी आप हाँ इसका हाँ गूगल कर सकते हैं, तो हाथ में ही रखी जाती है वो, तो हाथ में कांगड़ी मुंह में छोले, कहाँ से आए कश्मीरी लोले, लोले मतलब हाँ कावर्ड्स, अय्यर, कपूत, ये हिंदू लोग हमको बोलते थे, और इस प्रकार से आपका मजाक उड़ाया गया, आपको तो मजाक उड़ाया ब्लास्फेम गया, किया गया। बुली हुआ स्कूल्स में, कुछ कुछ लोग थे ऑफ कोर्स, हर जगह एक्सेप्शंस रहते हैं, पर मेजरली मैंने देखा कि हम तो एक बिजनेस का जरिया बने, कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने मदद की, स्कूलों ने बोला कि ठीक है हम आपका एडमिशन फीस, मुझे अभी भी याद है एडमिशन फीस 200 रुपये हुआ करता था, उतनी हमारी क्षमता थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कश्मीरियों के लिए हम लोग इसको सिर्फ 100 रुपये करेंगे, पर कई लोगों ने, जैसे हम लोग टेंट में देखा, मेरे पिताजी ने, हमको लगा हम लोग, मेरे बच्चे यहाँ, तो हम लोग मतलब ये तो एकदम मृत्यु के मुख में जाके बैठना है, ऐसा है क्या चांस है यहाँ पे, ना पढ़ाई का कुछ जरिया ना कुछ, पर मेरे पिताजी का शुरू से वो रहा था कि उनको बच्चे उनके पढ़ने चाहिए, वो शिक्षा के ऊपर हमेशा से जोर देते रहे हैं कि शिक्षा ही आदमी को इंसान बना, ये मेरे पिताजी काफी ये मेरे ख्याल से ये एक वो कम्युनिटी का ही विचार था कश्मीरी पंडितों का, और वो वैसा भी दिखाया भी गया है, जैसे वो अनुपम खेर जी जाते हैं उस रेफ्यूजी कैंप में आंखों की लेंस बनाने के लिए, वो डॉक्टर बोलता है महंगी वाली दो कि सस्ती वाली दो, तो वो कहते नहीं सस्ती वाली चाहिए क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी समाज के लिए ये शिक्षा, ये जो है ना, ये माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब समाज में शिक्षा नहीं होती है तो उसमें ये सब उठपटांग चीजें कायम होने लगती हैं। मुझे एक बात बताइए विक्रम जी, आप ये जातीयवाद, कास्टिज्म, रेसिज्म के भी शिकार हुए जब आप जम्मू आए, या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर फिर आप शायद पुणे आए 98 में, तब आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि लोग इस प्रकार से भी आपको देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे दुर्भाग्य की बात बताऊं या कहें, या ये जो गीता के जो जो श्लोकों में जो जो उसका असली अर्थ है, वो हम हिंदू समाज भूल चुके, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे जीवन में वो जो आध्यात्मिक ज्ञान जो हम प्रकाश जो हम पूरे संसार में दे रहे थे, बांट रहे थे, मुफ्त में दे रहे थे, लोग आके हमसे पढ़ के चले जाते थे, ये सनातन धर्म की प्रथा रही है, पर कहीं तो धीरे धीरे वो ज्ञान
कि जो आत्मा है, जो जो उसकी एक्चुअल स्पिरिट है, वो कहीं तो खो गई। जैसे भगवद गीता में लिखा है, देखिए डिवीजन, समाज का डिवीजन होना उसके रोजमर्रा के चलने के लिए, एक स्मूथ स्मूथ वर्किंग के लिए वो चाहिए। जिस प्रकार एक फैमिली में हम लोग डिवाइड करते हैं काम, मैं बाहर का करूंगा, मेरी पत्नी घर का किचन देखेंगी, साफ सफाई देखेंगी, मैं ये कुछ देखूंगा या वो कुछ देखेंगी, बच्चों का पढ़ाई, तो हर कोई का एक रोल रहता है। जैसे एक चित्रपट है, आप चित्रपट देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो हीरो हीरो का रोल करता है, विलन विलन का रोल करता है। अब इमेजिन कीजिए अचानक विलन हीरोइन के साथ गाना गा रहा है, तो बड़ा अटपटा लगेगा कि भाई यार ये तो विलन का रोल था, इसको ये क्या कर रहा है। तो इसीलिए भगवद गीता बहुत ही क्लियर है इस मामले में कि ये जो विभाग हुआ है, ये गुण और कर्म के अनुसार, गुण कर्मा ही विभाग शाह भगवान बोलते हैं इसे। आप ये जो श्लोक कोट कर रहे हैं ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसी श्लोक को लेकर वास्तविक जो अखंडी लोग हैं इसी को लेकर तर्क करते हैं कि भगवद गीता में समाज को विभाजन करने का एक षड्यंत्र बताया गया है, इसलिए भगवद गीता को रिजेक्ट किया जाए। और आप कैसे देखते हैं इसको? मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए उसकी उसकी ज्ञान ज्ञान के लिए उसको समझना और उसे विज्ञान बनाने के लिए, इसीलिए एक सही टीचर की आवश्यकता है जो उसको बता सके आप कि ये क्या बताना चाहते हैं इससे। मैं भी जब इंजीनियरिंग की पुस्तक, तो फिर हर कोई इंजीनियर की पुस्तकें या डॉक्टरी की पुस्तकें लेके घर में बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन नहीं, वो कॉलेज जाता है, एडमिशन लेता है, वहां सीखता है उनके गुरु से। तो जिस प्रकार एक भौतिक दृष्टिकोण से आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, आध्यात्मिक के लिए भी आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और आप कभी भी आप उनसे सुनेंगे तो वो यही बताते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार विभाग हुआ है, जन्म से नहीं हुआ है। मतलब कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके कर्म कैसे होंगे, उसकी गुण कैसे होंगे, उसके अनुसार वो हो। जमदाग्नि, ये भागवतम भागवत पुराण में आपने इसका उल्लेख तो आता ही है, जमदाग्नि तो बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, पर उनके पुत्र ऋषि मुनि, मतलब वो ब्राह्मण नहीं बने, वो क्षत्रिय ही बने। परशुराम जी को क्षत्रिय रूप में ही देखा जाता है, पूजा जाता है, क्योंकि उनके गुण और कर्म जो थे वो क्षत्रियों के थे। ये सिर्फ एक जम्मू कश्मीर की मैं बात अगर नहीं कर रहा, तो मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जहां जहां हिंदू समाज है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि विभाग हुआ है, किया गया है, लेकिन ये गुण और उनके कर्म के अनुसार। ये वर्ण और जाति, ये दो जो शब्द है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये जातीयवाद जो लोग कहते हैं कि ये जात का मतलब क्या है जो जन्म से हमें प्राप्त होती है, लेकिन वर्ण का जो अर्थ है वो हमारे गुणों से हमें प्राप्त होता है। ये दो में भेद करना बहुत आवश्यक है, और मेरे ख्याल से ये भेद ठीक से नहीं हो पाया है समाज में। इसको आप कैसे रखना चाहेंगे? इसके बारे में जब आप समाज में देखते हैं, तो कहीं कहीं पे देखिए, या तो दो, फिर इसमें क्या हो जाता है, जब इसको सही प्रकार से दृष्टिकोण से नहीं दिखाया जाएगा समाज में, तो आपको दो प्रकार के ही आपको समाज दिखेगा। एक जो बड़े शहरों में आपको दिखता है, जो आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर देता है, भाई हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सब बकवास है, क्योंकि डिवाइड हो जाता है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। और दूसरा, जिसने इसकी गलत धारणा टिप्पणी लेके वो आगे बढ़ चुका है कि भाई देखो हम तो ब्राह्मण है, हमारा बेटा ब्राह्मण ही हो। तो इसीलिए इसीलिए मैं खुद, और आई थिंक बिकॉज आप इसमें एक एक काफी बड़ा उत्तरदायित्व तो निभा रहे हैं समाज के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ के द्वारा ये काफी बड़ा काम कर रहे हैं कि इसकी असली समझ लोगों तक पहुंचाने की, घर घर में पहुंचाने की, ये बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ये एजुकेशन जो पार्ट है, ये काफी मिसिंग लगा। और इसका हमने असली रूप देखा कि जब एक व्यक्ति, और ये बहुत ही, मैं कहूं कि एक इंसानियत के रूप में एक बहुत ही बेसिक चीज है कि कोई दुख भरा व्यक्ति ठोकर खाते हुए, उस पे तो कोई जानवर भी तरस खा खा लेगा, और आप उसका हंसी मजाक और व्यंग बना रहे हैं, ये बड़ा ही कैसा हृदय होगा इसका। मतलब आप का
मानसिकता थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो वहां हमें लगा कि कहीं तो हम डिवाइडेड हैं समाज में। और आज हम वही वापस देख रहे हैं कि जैसे ही वोट बैंक की बात होती है तो बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन या वो या, पर एक्चुअली अगर ये देखा हिंदू जाए मुसलमान भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब ये हिंदुओं में भी ये ब्राह्मण और ये बहुत सब सही बाकी बोला आपने। जाति उपजाति का काम आता है, तो ये कैसे, मतलब ये ज्ञान भी अगर हम सही से देना चाहें ना, तो समाज को ये ज्ञान लिया नहीं दिया जा रहा है इन पाखंडी राजनेताओं के द्वारा, जो अपनी राजनीति को केवल और केवल जाति और संप्रदाय के आधार पर ही विभाजित रखना चाहते हैं, और ये मेरे ख्याल से हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। तो हम तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, पंडित जो कहते हैं कश्मीरी पंडित, ये क्या ब्राह्मण है इसलिए पंडित कहते हैं, या फिर अधिकतर लोगों का सरनेम ही पंडित था, जैसे आपका भी सरनेम पंडित है इसलिए उनको पंडित कहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, कई सारे सरनेम्स हैं, पंडित एक सरनेम है वहां पे, वहां पे कॉल है, रहना, काफी सारे नाम हैं, बट है वो भी सब सब क्योंकि सब एक्चुअली ब्राह्मण कुल के ही थे, सब शैवाइट्स थे। इसलिए आप देखिए आदि शंकराचार्य जी, कश्मीर एक एक पुण्य भूमि रही है, जिस प्रकार हम पूना को कभी बोलते हैं कि ये पुण्य भूमि है, तो कश्मीर के रूट्स ही अगर आप देखें तो मुनि कश्यप ने उसे जब बसाया था, इसीलिए कश्मीर कश्यप के ऊपर ही उसका नाम है, तो उनके उनका स्थान रहा है वो, जहां उन्होंने तप किया है, शंकराचार्य जी वहां आए, वैष्णव संप्रदाय श्री संप्रदाय के एक बहुत बड़े जो आचार्य रहे रामानुजाचार्य, वो तो 3-4 महीना चल के कांचीपुरम से कश्मीर आए, इवन इनफैक्ट आई वुड से POK चले गए, जो आज काफी एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब मुझे बताइए अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा था तो 1,000 साल पहले वहां शारदा पीठ क्या कर रहा था? ये प्रश्न तो हम हिस्टोरियन को पूछ सकते हैं कि भाई आप बता रहे हैं कि ठीक है ये हमारा हिस्सा नहीं है, तो हमें ये भी तो बताइए कि ये शारदा पीठ नामक इतना फेमस मंदिर, जहां पे बोधायन वृत्ति नामक ये ग्रंथ लेने पहुंचे थे रामानुजाचार्य, ये कहाँ से आ गया? तो आज आप बता रहे हैं कि भाई ये तो हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी संस्कृति का या हमारे देश का। ये इसका कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, ये आज सुनाई दे रहे हैं, दिया जा रहा है कश्मीर के विषय में, अन्यथा कश्मीर तो एक सिनोनिमस शब्द है उग्रवाद के लिए, आतंकवाद के लिए, एक राजनीतिक तंटा के लिए, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जो ग्लोबल लेवल पर इसको इसकी चर्चा की जाती है, इसी के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। आई एम श्योर कई भारतीय तो उस पुण्य भूमि में कदम भी नहीं रखे होंगे, डर के वजह से कहो या फिर अज्ञानता की वजह से कहो, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है सामान्य जनता के ऊपर भी, कि आपके देश में इतनी बड़ी धरोहर है लेकिन आज लोग न जाने वो वीजा के लिए पागलों की तरह लाइन लगा के अलग अलग देश में घूमने जाते हैं वहां की सुंदरता देखने के लिए, आपके यहाँ पर बगल में है जो कुछ कुछ भी किए बिना आप जाकर उसका अनुभव ले सकते हैं, आसानी से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये हम तक पहुंचने नहीं दिया गया। आई थिंक इट्स अ वेरी डीप सेंस ऑफ बिट्रेयल, और आपका जो दर्द है वो भी हम तक, सामान्य भारतीयों तक कभी पहुंचने नहीं दिया गया। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है? लगता है मुझे 20 साल बाद आज जब मेरे मित्र पढ़ रहे हैं कॉलेज के, जो महाराष्ट्र के मित्र हैं, कि एक आक्रोश सा है उनके अंदर आक्रोश देखा मैंने, और एक गिल्ट फीलिंग देखी, दो चीजें मैंने देखी। और मुझे वो कॉल करके या मैसेजेस करके मुझे बोल रहे हैं कि विक्रम हमें क्षमा कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं पता ही नहीं था कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, पर वो अब उनमें वो गिल्ट आ रहा है कि शायद वो कुछ और कर सकते थे, क्योंकि एक देखिए एक आपकी अच्छे ग्रेजुएट कॉलेज की तरह। लाइफ कैसे रही? आप ये सब चीजें अपने मित्रों के साथ कभी डिस्कस करते थे कॉलेज में? वेयर डिड यू स्टडीड बाय द वे? वेयर डिड यू डिड योर CUEP में मैं स्कूलिंग लेटर? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से पास आउट हुआ 2002 में, तो 98 में मैं यहाँ पे आया मेरे पिताजी के साथ। वही मेरे पिताजी का एक छोटी सी दुकान, जब मैंने बोला कि उनका सब कुछ खत्म हो गया 1990 में, इमेजिन कीजिए जब आप 40 साल के हैं, आज की अगर मैं खुद को देखूं, मैं 41-42 हूँ, और अचानक एक रात में मैंने आज तक जितना कुछ कमाया है
वो सब मेरे से छीन लिया जाता है और मुझे ऐसी जगह धकेला जाता है जहां मैं किसी को नहीं जानता। मुझे नहीं, मुझे मैं पागल हो जाऊं, मतलब तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। मेरी तो आप जम्मू बीवी, से डायरेक्ट पुणे आए, फिर बीच में हाँ कहीं गए जी, थे? अच्छा, नहीं, जम्मू में ही हम 8 साल रहे, 90 से लेकर 98 तक मैं रहा, परंतु वो बड़ा कष्टदायी समय रहा। कश्मीर से निकलना एक बात है कि आप अपरूट हो गए, लेकिन उसके बाद का जो संघर्ष रहता है कौस्तुभ जी, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है वो सब बयां करने के लिए, कि एक तंबू में रहना, फिर एक काउ शेड में रहना। हमारी एक मकान मालकिन ने एक गाय निकाली अपने, उसमें से उसको थोड़ा साफ किया और बोला कि ये रूम आप लीजिए, 180 रुपया किराया लीजिए, और हमारे पास आमदनी थी नहीं। सरकार तब हमको 500 रुपया देती थी एक फैमिली को, रिफ्यूजी फैमिली, अच्छा 500 रुपया, इमेजिन कीजिए। और मैंने ये, मेरी एक डायरी है, मैंने लिख के, मैं आज देख रहा था, 180 रुपये हमारा कमरे का किराया था, और कमरे का साइज भी मैंने एक बार शायद इंच टेप से मेजर किया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये हमारे साथ। तो 10 फुट, 10 फुट बाई 12 फुट का वो कमरा था, उसमें 5 लोग हम रहते थे, 180 रुपये किराया था, और एक लाइनमैन आता था बिजली वाला, वो हमसे 35 रुपये लेता था। तो उसने एक कुछ, किस चीज तो के? वो एक हम बोल रहा था कि अगर आप हीटर यूज करेंगे तो मीटर आप लोगों के पास है नहीं, तो क्योंकि हमारे पास ईंधन था नहीं, गैस का चूल्हा था नहीं, एक केरोसिन का स्टोव था जिसपे 5 लोगों का खाना दिन में बनता था। तो 35 रुपये बोलता था कि हीटर, अब वो भी बिजली रहती थी तभी लगा सकते हैं, बिजली नहीं रहेगी तो कभी नहीं लगा सकते, तो न स्कूल जा सकते हैं क्योंकि फीस के लिए पैसा नहीं है। तो ये ऐसी दुर्दशा हुई। फिर मेरे पिताजी को एक दुकान पे एक काम करना पड़ा, कहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो स्टेट के सर्विस इंजीनियर थे, और अचानक उनको पता चलता है कि उनको एक छोटी सी दुकान में मामूली सा टीवी ठीक करने के लिए बिठाया दिया जाएगा, और उनको मात्र दिन में 20 से 30 रुपया हाथ में दिया जाएगा। तो ये आठ साल 12 साल, क्योंकि 4 साल मैंने इंजीनियरिंग किया, 98 में तो खाली मैं पुणे आया, पर पिताजी का वो एक, मैंने ये देखा कि जो डिटर्मिनेशन उनका था कि मेरे बच्चे को मुझे एक अच्छा आदमी बनाना, इसके लिए बड़ा, मतलब अपना जो पूरा सर्वस्व उन्होंने त्याग दिया, झोंक दिया उस अग्नि में, उस बलिदान की अग्नि में, जिसमें पिताजी मेरे पूरा जल के ये हो गए, भस्म हो गए। मैंने देखा ये मेरे सामने होते हुए। मुझे याद है मैं जब इंजीनियरिंग के बीच में जब छुट्टी मिलती कभी घर जाता था तो सब लोग खुश हो जाते, मेरी मम्मी खुश हो जाती थी, भाई खुश हो जाता था, और क्योंकि मैं सबसे पहला बच्चा था पूरे खानदान में जो बाहर निकला इंजीनियरिंग करने गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साधन नहीं था, सब कुछ घर खत्म हो मतलब चुका वही था। घर जो जम्मू में वो काउशेड में आप रहते थे, वही घर? हाँ, यस यस, उसी एक कमरे में हम रहते थे, तो वहां हमने बैठ के पढ़ाई किया है, देखिए 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, कोई रिसोर्स नहीं था। मुझे याद है फ्रूट जिसमें आता है पेटी, आपने देखा होगा आम की पेटी आती है लकड़ी के, उसी को मैंने एक बार किसी से, मेरी मकान मालकिन फ्रूट लाई थी, खत्म हो गया, तो मैंने उसको पेटी लिया, उसके ऊपर एक छोटा कपड़ा डाल दिया तो वो टेबल बन गया। तो ऐसे हमने पढ़ाई किया है कौस्तुभ जी। तो उन हालातों में रह के, वही पुराने पतलून पहन के, बीजेपी के ऑफिस में हम कभी जाते थे, वो कभी कभार हमारी मदद करते थे, कुछ घी का लिफाफा दे के या एक बेडशीट दे दे देते थे। वो बेचारे कोशिश कर रहे थे, पर उनके हाथ में इतना ज्यादा था नहीं, पर जितना हो सकता था कुछ 5 पैसे का ही, लेकिन वहां से हमें थोड़ा सहायता हो जाती थी उनकी उनकी ओर से। उसके लिए भी किलोमीटर की एक लाइन लगती थी, उसमें खड़ा रहना पड़ता था, कब नंबर आए। उन दिनों तो ऐसा मोबाइल फोन था नहीं, पता चल जाए पहले से भाई ऐसा कुछ होने वाला है, बस उड़ती उड़ती कुछ खबर आई, सब भागने लगते थे पागल की तरह। तो इस माहौल में कोई रिसोर्स नहीं, उसमें हमारे पिताजी ने बड़ा कष्ट झेला, और हमें शिक्षा का एक मैं कहूंगा कि एक सुनहरा अवसर उन्होंने अपने बलिदान से हमें ये दिया। तो तब जाके आज हम कुछ अगर हम बने हैं, तो हमारे ऑफकोर्स मेरे पिताजी को उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ऑफ कोर्स भगवान की कृपा उस रही है। और पर 1998 से लेकर 2002 तक काफी ज्यादा कष्ट हुआ उनको, क्योंकि पैसा था नहीं और बच्चे को आपने पूना भेज दिया पढ़ने के लिए, ये अपने आप में बड़ी बात है।
तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? सीओईपी तो बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है और वहां पर एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं था, और हाउ डिड यू मैनेज टू गेट एडमिटेड और फिर आपने कैसे आपका एजुकेशन कंप्लीट किया? ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपने किया, मैं इसके बारे में बोलना चाहता था और अच्छा हुआ कि आपने इसके, क्योंकि दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जिसको हम हर कश्मीरी पंडित, हम आज उनको सल्यूट करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो है श्री बाला साहब ठाकरे। अच्छा, कश्मीर कहां पर है और महाराष्ट्र कहां पर है? जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार आई, एक्सटर्नल सपोर्ट, वो तो राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहते थे, तो जब उन्होंने ये दुर्गति देखी कि कोई भी राज्य, हमारा पड़ोसी कोई भी राज्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये कश्मीरी पंडित, ये हिंदू लोग, ये बड़े उत्पीड़ित है, इतने सालों से सह रहे हैं, और ये पहली बार हमारा जेनोसाइड नहीं हुआ, ये हमारा 7वां जेनोसाइड है। तो उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तब मुझे याद है कि इंजीनियरिंग के एक ब्रांच में, एक क्लास में, कक्षा में 60 लोग पढ़ सकते थे, 60। तो बाला साहब ने बोला कि अगर 60 पढ़ रहे हैं, हम 60 में कमी नहीं करेंगे, हम किसी का हक छीन के किसी दूसरे को नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, एक कक्षा में सिर्फ एक एक्स्ट्रा बच्चा खड़ा कर बिठा दें। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत होगी? उन्होंने बोला लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर 60 पढ़ रहे हैं तो 61 में तो मुझे नहीं लगता कि कोई तूफान मच जाए। तो तब बाला साहब ठाकरे ने बोला कि आप वहां एक ऑफिस बनाइए जम्मू में, सब कश्मीरी जो बच्चे हैं उनका, 12वीं कक्षा के जो भी उत्तीर्ण हुए हैं बहुत अच्छे नंबरों से, उनका एक लिस्ट बनाइए अच्छे से, वो हमें, हमारी सरकार को आप भेजिए, हम उनके लिए आके यहाँ पे आप काउंसलिंग करेंगे, जिस हिसाब से उनका रैंक रहेगा, अच्छे नंबर से जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा, वो जहां जहां जिस कॉलेज में चाहे एक सीट वो उपलब्ध कर सकते हैं, हम लोग उपलब्ध कराएंगे उनको, ताकि उनको भी शिक्षा के प्रति एक जो अधिकार है, उनका जो जन्म जन्म से अधिकार है, जो हमारा हमारा संविधान हमें देता है। आज कई सारे लोग बात करते हैं कौस्तुभ जी आरटीई की, राइट टू एजुकेशन, पर कहीं मैंने देखा कि कहीं फॉलो कुछ होता नहीं है इसमें, लेकिन मानना पड़ेगा, सराहना यहाँ पे, जब आरटीई ये सब सब नहीं था, तब बाला साहब ने ऐसा ठोस कदम उठाया कि आज लाखों करोड़ों घरों में, आज हजारों जो कश्मीरी हिंदू आज सेटल हुए, अब्रॉड गए हैं, मेरे कुछ खुद के मित्र जो इसी ऐसे ही कैटेगरी से आए, आज बड़े बड़े अमेरिका में बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। पर श्रेय अगर हम तहे दिल से देना चाहेंगे आपके इस चैनल के द्वारा, वो जाएगा तो सिर्फ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। मेरे, आपको यकीन नहीं होगा, मुझ में, आपने जैसे ये कहा मेरे शरीर में से गूज़बम्स हो रहे हैं। आई विल टेल यू व्हाई। सी, आज तो ये इंजीनियरिंग और ये सब कॉलेजेस खाली पड़े हैं। मैंने भी मेरा जो ग्रेजुएशन किया वो भी 2000 में किया इंजीनियरिंग में, और मैं एक्सपीरियंस कर रहा था तभी कि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो भी सीओईपी जैसे कॉलेज में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, उसमें एडमिशन मिलना ये एक एक सपना हुआ करता था, और इतना पॉसिबल, इतना आसानी से पॉसिबल नहीं था तभी। ये कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और ये सब नहीं हुआ करता था, हमको कॉलेज टू कॉलेज जाना पड़ता था, देखना पड़ता था, ये सब डोनेशंस, ये वो सब चक्कर करना पड़ता था। लेकिन ये आपके लिए भी कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रही होगी तभी कि आपको ये प्राप्त हुई, एंड एंड हैट्स ऑफ टू यू, आपने उस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा उपयोग किया। आज जिस स्तर पर आप है उसका, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में मिल रहा है, तो कभी कभी हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आपने भी उसको बहुत सुंदरता से उसको उसका उपयोग किया। एक बात बताइए, ऐसा कॉलेज में हुआ करता था कभी, ऐसा कोई रिजर्व कैटेगरी के आते थे तो उनको उस नजरिए से देखा जाया करता था, आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ कि अरे यार ये एक रिजर्व कैटेगरी से आया है और इसने एक सीट ऐसे ही ले लिया, मे बी ही डिजर्व्स, ही डज नॉट डिजर्व, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, कुछ कुछ लोग
जो उत्सुक थे जानने के, जिनको पता था हमारे साथ क्या हुआ था, उनकी सहानुभूति भी हमें मिली, कई सारे टीचर्स की सहानुभूति मिली। वो जानना चाहते थे, बेटा क्या हुआ आप लोगों के साथ, हमने थोड़ा थोड़ा सुना है पर पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि तब ये सोशल मीडिया नहीं था। जो ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताया था, बताता था, जो कई सारी सरकारों के मुट्ठी में होता था, तो क्योंकि महाराष्ट्र में ही थोड़ा सा इसका एक्टिवेशन क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे आने लगे कश्मीर से, तो उत्सुकता बढ़ गई, तो थोड़ा जागरूक हो गया, अच्छा भाई क्यों, ये क्या हुआ, तो कई सारे टीचर्स में फिर वार्तालाप होने लगी, भाई इनका तो बहुत बुरा हाल कर दिया है इन लोगों, कई सारों की सहानुभूति हमें मिली है। मुझे याद है कि जब हम हॉस्टल में भी आए तो हमारे प्रोफेसर्स कुछ थे ऐसे, और मैं उनको बड़े अपने मन से आज एक उन्हें सादर प्रणाम करूंगा, नॉट जस्ट कि हमारे वो टीचर थे, पर उन्होंने जो मन से हमें सहानुभूति और हमारे कष्ट को समझा। मुझे याद है हमारे चीफ रेक्टर हुआ करते थे नवले सर, बहुत साधारण से व्यक्ति थे, हाईली एजुकेटेड बट बहुत विनम्र, बहुत सिंप्लिसिटी के, मतलब एक बहुत अच्छे प्रतीक माने जाते थे पूरे कॉलेज में। तो जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने बोला कि आप लोग अगर बाहर रहेंगे तो ये तो बहुत कष्टदायी रहेगा आप लोगों के, कहाँ से लेंगे इतना पैसा आप। तो उन्होंने यहाँ तक कि हॉस्टल में भी हमें बोला कि आप लोगों के लिए हम 3-4 कमरे रखेंगे, कि आप लोगों को हर जगह से कष्ट हो रहा है। तो हमें ऐसे लोग भी मिले, पर ऑफ कोर्स देयर विल आर सम, जैसे कहते हैं कि आप एक अगर आप सेब की पेटी लाएंगे तो शायद एक आध सेब तो खराब निकलते भी है, तो कहीं से हमें वो भी सुनना पड़ा। बट हमारे पास, मैं यही कहूंगा कि हमारे पास कुछ विकल्प नहीं था उस समय, वो सिर्फ हमने उसको वो जहर एक घूंट जैसा रहता है हमने पिया, पर हमने ये खाना तो जरूर था वहां पे कि कुछ करके तो दिखाना है। जब अंधेरा बहुत गहरा, कैसा कहते हैं कि अंधेरा जब बहुत गहरा हो जाता है ना, तब एक आशा की किरण दिखाई देती है। तो आपके साथ ऐसे भयानक अनुभव तो बहुत है, लेकिन ऐसे कुछ अच्छे अनुभव भी है जिसको आप मेंशन करना चाहेंगे, जो जो आप भूल नहीं सकते कि इस परिस्थिति में भी आपको इस प्रकार के लोग भी मिले जिसको आप जीवन भर याद रखोगे। काफी काफी सारे हैं ऐसे अनुभव, और कुछ जो जो मुझे, जैसे मैंने अभी आपको ये नवले सर का बताया, उन्होंने खुद से हमें, हम मिलने भी जाते थे, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में हमने देखा कि काफी सारी कैटेगरीज बेस ऑलरेडी रिजर्व रहती थी, इवन हॉस्टल किसको मिलेगा ये भी पहले ही पता रहता था। मुझे याद है मेरे मार्क्स 200 मार्क्स ज्यादा थे एक बच्चे से मेरे एक, पर उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला वो कैटेगरी। तो परंतु फिर भी उन्होंने वो समझा उस चीज को कि भाई जो जो आप अच्छे से पास हो जाइए, आप कोई चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पढ़ने आए हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये काफी टीचर्स ने बोला हमें। ऑफ कोर्स एक आध टीचर कुछ ऐसे भी रहे जो हमें क्वेश्चन करते थे। मुझे याद है एक टीचर हमें पूछते थे, मुझे पूछते थे कि अच्छा तुम कश्मीर से हो, अच्छा तुम यहाँ आए तो इसका मतलब तुम नौकरी भी यहीं करोगे। मैंने बोला सर अभी सर वो तो मुझे पता नहीं, अगर मिलेगा तो करेंगे। उन्होंने बोला कि तुम फिर इसका मतलब यहाँ के लोकल रेजिडेंट का नौकरी भी खा जाओगे, ऐसे ही बोले उन्होंने, खा जाओगे। मैंने बोला सर ऐसा नहीं है सर, मैं बाहर भी जा सकता हूँ। तो कुछ ऐसे लोग भी मिले, पर कुछ ऐसे मित्र भी अच्छे मिले जो आज तक अभी भी टच में हैं, जो जो हमारे दर्द को समझे, और लाइफ लॉन्ग उनके साथ हमारी मित्रता अभी भी है। और हम लोग तो इतना यहाँ पे अच्छे से अभी रह रहे हैं कि यहाँ तक कि मैंने फिर फाइनली डिसाइड यही किया कि मैं मोस्टली पुणे में ही रहूंगा। और जो एक और एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कौस्तुभ जी आपके माध्यम से, जो मैं संदेश देना चाहूंगा लोगों को, कि जब ऐसी घटनाएं आपके ऊपर घटती हैं तो कई सारे कष्ट तो आते हैं फाइनेंशियली, हर रूप रंग से आते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से तो काफी तकलीफें आपको आती, परंतु मैंने ये भी देखा अपने जीवन में कि अगर आप एक आध्यात्मिक जीवन शैली, एक बैलेंस्ड जीवन शैली आपकी हो, तो उन कष्टों को आप एक बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं। यू कैन टेक दोज ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस इन अ वेरी पॉजिटिव वे, उसी को शायद टॉलरेंस बोलते हैं, नहीं तो बहुत ही वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाता है, जहाँ पे काफी लोग, कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इनफैक्ट। तो
तो यहाँ पे मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि 1999 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे हमेशा रहता था कौस्तुभ जी, जो मैं लेख लिखता था, आपको तो आप जानते ही, मैं कुछ लेख भी लिखता हूँ, तो बचपन से मैं कुछ डायरीज लिखने का मुझे बड़ा शौक था, तो उसमें ये हमेशा मेरा एक प्रश्न रहता था, जो उस समय तक जब तक कि मैं पूना में भी आया वो उसका आंसर मुझे कहीं मिला नहीं। और ये प्रश्न ये था कि मेरे पिताजी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो अपनी आंखों से देखा किसी का बुरा नहीं किया, मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों? ये प्रश्न मतलब अनसुना या जो भी आप कहें, इसका प्रश्न, इसका उत्तर मुझे कहीं मिला नहीं। कई सारी पुस्तकें पढ़ी, कुछ ऋषि बाबाओं से मिला, कुछ आध्यात्मिक लोगों से मिला, पर इसका उत्तर जो मुझे मेरे मन को छू जाए या मेरी अंतरात्मा, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं था, ये प्रश्न मेरी अंतरात्मा से आया था, क्योंकि मैं देख चुका था, सह रहा था, उसका प्रभाव मेरे पे ऊपर था। तो तब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में के द्वारा उनकी एक कक्षा, एक सेमिनार कहा जाए, हमारे हॉस्टल में 1999 करीब 25 फरवरी को उन्होंने हमारे हॉस्टल में आए थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको वो डेट भी इतना पुख्ता याद है, 25 फरवरी 1999? कि जिस जो प्रभाव मुझे मेरे मन पे पड़ा, मतलब वो मैं शायद ही कभी बता पाऊं, मतलब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ गया अचानक। मैं बोला यही है सब कुछ ऐसा जो जिसकी खोज में था मैं, शायद यही वो मलहम है जो मेरे इन अंतरात्मा के जो जो जख्म है, शायद कोई मुझे लाखों करोड़ों रुपया भी आज की डेट में दे और बोले कि चलो भूल जाइए ये, मैं शायद नहीं भूल पाऊ, परंतु ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का ये जो मलहम मुझे लगा, भगवद गीता के ज्ञान का, फिर मुझे लगा कि नहीं, हमारी संस्कृति में इतनी क्षमता जो हम सुना करते थे दादाजी से कभी, इसका देखिए क्या रहता है कि ज्ञान विज्ञान बनने में बहुत समय चला जाता है, कभी कभी तो पूरी उम्र बीत क्या जाती अंतर है है। दोनों ज्ञान में, ज्ञान और विज्ञान, इसमें अंतर क्या है? देखिए जैसे इंफॉर्मेशन है, आज की डेट में लेते रहिए, ज्ञान देते भी रहिए, यू नो इन्फॉर्मेशन देते लीजिए देते, पर विज्ञान साइंस मतलब यू हैव लिव्ड दैट नॉलेज, द एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान, यू नो वो आप जब आप देख रहे हैं उसे महसूस कर पा रहे हैं, उसे अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, तो देन यू कैन सी ये साइंस है, साइंटिफिक है, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब कर्म की थियोरी जब मैं पढ़ा गीता में, तो मुझे लगा वाह, मेरे पिताजी उस कर्म का फल भोग रहे थे जो जिसका मेहनत अभी उन्होंने नहीं किया था, जो कर्म अभी नहीं किया था, वो तो कुछ यू नो काफी लाइफ टाइम्स पहले या कहीं जन्मों पहले हुआ होगा शायद। आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, आप एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी है, एक अच्छे पोस्ट पर, आप एक कॉरपोरेट में एक काम भी करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप गीता भागवत रामायण की बातें करते हो तो बिकम्स टू ऑर्थोडॉक्स, टू प्रिमिटिव, और न जाने लोग क्या सोचेंगे मैं अगर ये बोलने लगूँ तो? ऐसा आपको भी नहीं लगा? हाँ लगता था शुरू में, पर अब नहीं, अच्छा, अब अब तो मैं नहीं बहुत है। खुश हूँ कि अब इसकी इसकी देखिए इसीलिए मैं हमेशा, मैं क्योंकि लीडरशिप कोचिंग भी करता हूँ, तो लीडरशिप जो एक कॉन्सेप्ट है ये मुझे काफी उत्सुक किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने भोगा है, ये जो भी हमारे साथ हुआ है, एक इसका एक बहुत एक एक जो बड़ा कारण रहा है वो है एक बहुत ही पुअर लीडरशिप। जब आपके लीडर ही आपके वीक हो तो प्रजा का सर्वनाश तो निश्चित है। आज आप देखिए, आज हर देश, मैं ये नहीं बोलूंगा कि युद्ध आवश्यक है या युद्ध आवश्यक नहीं है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, परंतु एक नेता अगर कोई बड़ी गलती करता है तो बहुत सारे ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर देश का नंबर वन नेता कोई एक छोटी सी भी गलती करता है तो आपकी प्रजा को बहुत भोगना पड़ता है, ये हमने भोगा, ये मैं सीखा यहाँ से कि लीडरशिप, इसलिए जो भी एक ये चूज करना है, कृपया इसे जातिवाद पे, इसे क्योंकि आपके मोहल्ले का है या आपके जाति का है या आपके धर्म का है,
इसके अनुसार उसको चूज मत कीजिए। अगर उसमें वो कैपेबिलिटी है, उसमें वो क्षमता है, तो ही उसे उसे उस कुर्सी पे बिठाइए, नहीं तो वो ऐसा संकट ला सकता है कि हम लोग कुछ नहीं कर, हम सहाय हो गए थे, क्योंकि हमारा नेता ही कमजोर पड़ गया। आज मैं जब देख रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक अलग दिशा में जा रहा है। हम छाती चौड़ी करके, जब मैं बाहर जाता हूँ, बाहर के देशों में, मैं काफी भगवान की कृपा से ऐसा पद मिला कि काफी कहीं ऑलमोस्ट 15-20 देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं आज जब मैं जाता हूँ और जब मैं 15 साल पहले जाता था, तो बहुत अंतर है इसमें। आज योगा एक बहुत ही शब्द ऐसा था जो मैं ज्यादा बोला नहीं करता था, पर आज लोग मुझे, खुद जैसे मैं इंडियन हूं, वो पूछते हैं कि भाई आप कौन सा योगा करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन भगवद गीता। आज मैं बहुत ही खुलेआम, मैं भगवद गीता, मैं आपको एक उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। कुछ साल पहले मैं चाइना भी जाता था, तो मैंने एक बार चाइनीज भगवद गीता तक लेके गया, और वहां के योगा टीचर्स से मैं कुछ मिला को मैंने दिया। वो वीगन थे, वो बिल्कुल मांसाहार, मतलब चाइना में मांसाहार न करना, मतलब मुझे लगा कि ये तो देवी देवता के रूप में ही यहाँ अवतरित हुए हैं कि वहां चाइना पर में ऐसा अगर डिस्टिंक्शन है ही नहीं, शाकाहार और मांसाहार, जो भी है वो एक ही वहां है। एनीथिंग कहते हैं कि जो भी चलता है वो लोग वो खा लेते हैं, तो उसमें अगर आपको कोई दैट इज ऐसा मूविंग। मिल, यस, तो उसमें अगर आपको कोई ऐसा मिल गया जो शाकाहारी, तो समझ लीजिए कि ये देवता स्वरूप ही है यहाँ पे। तो मैंने उनको भगवद गीता दिया चाइनीज में, और वो दंग रह गए। मैंने कई बार उनको पूछा, बोला ये कर्म फिलोसफी, ये क्या लिखा है आपके शास्त्रों में, और ये रूपांतर या चाइनीज में कैसे आ गया? तो मैंने बोला, देखिए इसका तो एक ही क्रेडिट जाता है, वो है इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य रहे हैं, उनकी कृपा से ये ज्ञान हर जगह। मुझे याद है मैं स्वीडन में जब पहली बार 2006 6-7 में गया था, तो मैं एक, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, तो मैंने कहीं को पूछा, भाई मुझे यहाँ कुछ शाकाहारी कुछ मिल सकता है भोजन, तो उन्होंने बोला आप यहाँ से सीधा जाइए, एक वहां पे गोविंदास करके रेस्टोरेंट है वहां पे। मैंने बोला अच्छा, गोविंदास नाम है? बोले हाँ, काफी फेमस है। मैंने बोला अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने बोला यहाँ के लोग खाते हैं क्या? बोले अरे बहुत खाते हैं, हम तो कई बार जाते हैं वहां। तो ये सज्जन मेरे साथ आए, बोले चलिए अब हम बात कर ही रहे हैं तो हम आपको वहां छोड़ भी देते। तो आए हमारे साथ चलते चलते, हमने वहां छोड़ा, तो अंदर हम देख रहे हैं तो अच्छा खासा वहां लोग, और पता चला कि ये प्रसाद है। तो हमने बोला भाई ये वेजिटेरियन तो समझता है, पर ये प्रसाद? बोले ये रेस्टोरेंट जो है, यह श्रील प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं स्कॉन के, उनके शिष्य ने यहाँ बनाया है, यहाँ पे भगवद गीता का प्रचार होता है और प्रचुर मात्रा में यहाँ प्रसाद मिलता है, आप भी आइए। और भाई तो हमें लगा कि स्वीडन भाई में स्वीडन में, तो स्टॉक होम के बीचों बीच, हमें लगा भाई ये, मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और उस रेगिस्तान में एक छोटा सा, एक कहा जाए एक नीर का स्रोत है, एक ओएसिस है, जहां पे एकदम शीतल जल रूपी ये प्रसाद हमें मिल रहा था। तो मुझे लगा अरे वाह, ये क्या, ये कोई चमत्कार से कोई कम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आज आप देखा देखते हो ये जो युद्ध भूमि है, रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का जो कार्य है, इसकी वजह से कई लोगों को आज उसका अनुभव आ रहा है। कई लोग आज आप देखोगे वो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कहे कि वो महाभारत का दाखला दे रहे हैं, कोई भगवद गीता का दाखला दे रहा है। तब सामने जब काल आता है तो भगवान की याद आती है। और मेरे ख्याल से ये जो क्रेडिट है, ये श्रील प्रभुपाद जी के अलावा किसी को देना उचित नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये मैंने अपनी दृष्टि, मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कुछ किसी से सुना है, मैं कुछ देशों के नाम लूंगा और आप सहमत होंगे मेरे से कि यहाँ पे मेरे साथ ऐसा व्यवहार और ऐसा भोजन, ऐसा
मैं भोजन तो नहीं बोलूंगा, क्षमा करें, प्रसाद मिलना ऐसी जगह पे, ये मतलब ऋषि मुनियों को भी मुझे लगता है कि दंग रह जाएंगे कि देखिए विक्रम पंडित जी, मैं आपको कुछ जगहों के नाम बताऊंगा, जिनजियांग, नैनजिंग, शंघाई, बेइजिंग, ये तो सब मैंने चाइनीज सिटीज है। ये सब चाइनीज की सिटीज हैं। मैं यहाँ आप यकीन नहीं करेंगे, 2013 की जन्माष्टमी मैं 4 जगह मना चुका हूँ, एक ही जन्माष्टमी 4 जगह मनाई। मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा, मैं पूना से सुबह यहाँ हमने मंदिर गए, जन्माष्टमी तो आपको पता ही है पूरे भारतवर्ष में एक इससे बड़ा उत्सव बहुत बड़ा कृष्ण त्योहार भक्तों है। के लिए तो कोई भी नहीं है। हमने पहले यहाँ मनाई, मेरी फ्लाइट थी शाम को बॉम्बे से, तो मैं बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में मैं वहां भी, हाँ, इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, तो वहां भी गए और वहां भी सेलिब्रेशन चल रहा था, तो मैंने वहां भी अभिषेक किया। वहां से निकल के मैं बीजिंग पहुंचा, लेकिन बीजिंग में कुछ कैलेंडर के अनुसार जब मैं पहुंचा, उस दिन जन्माष्टमी मना रहे थे, तो वहां पहुंचा तो वहां तो देखा कि अभिषेक चल रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है बीजिंग में। बीजिंग में मैं तो दंग रह ये गया। कौन से साल की बात है? ये 2013 की बात है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट तो ये सब अलाउ नहीं करती है, वो तो लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है बिल्कुल। योगा सेंटर में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बाहर से वाह वो योगा सेंटर दिख रहा था, पर योगा भी सिखाते हैं, और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लोग रहते हैं उनको फिर वो भक्ति योग सिखाते हैं। डायरेक्टली तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि पहले देखते हैं कि क्या गुण है इस व्यक्ति में, क्या ये सही में आगे समझ पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही गुह्यम है, ये जो राज है, ये जो ज्ञान है, ये कोई हर एक को तो नहीं मिल पाएगा। तो बाद में मैं वहां से मैं स्वीडन गया, एक एक दिन की वहां मीटिंग सिटीज खत्म करके मैं स्वीडन पहुंचा वहां से, और वहां पहुंचा तो वहां मुझे याद आया था ये गोविंदास रेस्टोरेंट, तो मैं तुरंत वहां पहुंचा, तो वहां देखा बड़ा शोर शराबा चल रहा है, और बहुत फूलों की वर्षा और फूलों की डेकोरेशन। मैंने बोला क्या है भैया, कोई आ रहे हैं? बोले आपको पता नहीं आज कृष्ण जन्माष्टमी है। अरे मैंने बोला क्या बात कर अरे रहे हैं, तो बोले आज आइए, आप तो बहुत सही समय पे आए, अभी यहाँ अभिषेक होगा भगवान का, फिर महाप्रसाद होगा। मैंने बोला ये तो हमारा बड़ा, देखिए कितना परम सौभाग्य है कि मैं 2 या 3 दिन में मैं 4 जन्माष्टमी मनाते हुए, तो ये संभव है। मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे देशों से जाते हुए असंभव अब जन्माष्टमी मना रहे? तो असंभव ये असंभव। अगर अगर ये श्री क्रेडिट कृष्ण का अगर नाम सुनना भी जिन लोगों के लिए एक कल्पना मात्र था, असंभव था, आज उनके उत्सव, उनकी उनका जन्मोत्सव और ऐसे अनेक जो फेस्टिवल्स है, उत्सव है, वो जग भर में हर छोटे बड़े शहर और गांव में मनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बात बताइए विक्रम जी, जब आप जाते हो और ऐसे भक्तों से मिलते हो जो भारतीय नहीं है, शायद यूरोपियन हो, चाइनीज हो, अफ्रीकन्स हो, अमेरिकन्स हो, क्योंकि आप तो दुनिया भर में भ्रमण करते रहते हैं नारद मुनि की तरह, ऑस्ट्रेलियंस हो, तो इनके बीच जाने के बाद आपको एक कैसा फीलिंग होता है और कैसा आपके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, कैसा वो आपको ट्रीट करते हैं? मुझे दो आपसे यहाँ, ये बहुत ही आपने एक बहुत ही गहरा है ये प्रश्न, बहुत ठहराव है इस प्रश्न में। मुझे दो बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट इमिजिएटली मुझे हिट करती हैं, मुझे ये बिल्कुल याद भी है कि मेरा जो आभास रहा है सब देशों में जाने के बाद, पहला मुझे ऐसा लगता है कि चकित रह जाता, वाह, तो ये एक चमत्कार है कि ऐसे लोग जिसने बचपन से, कृष्ण तो छोड़ दीजिए, भगवान कौन क्या है या क्या है, भगवान शब्द गॉड को ही उसने रिजेक्ट करके रखा है, वो आके आज पूरा छोड़ के कृष्ण भक्ति कर रहा है, ये अपने आप में चमत्कार। दूसरा मुझे ये लगता है कौस्तुभ जी कि पाश्चात्य देश में जन्म लेने के बाद भी, ऐसी संस्कृति जन्म लेने के बाद भी इतना कर रहा है, मुझे फिर अपने आप पे थोड़ा सा ये लगता है कि भाई विक्रम पंडित तुम भी कुछ करो, क्या कर रहे हो, ये देखो ये क्या कर रहे हो, तुम कितने पीछे, ये तो तुम्हारी धरोहर है।
थोड़ा मैं इंस्पायर हो जाता हूँ. ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हो जाता हूँ वहां पे कि वाह ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कितना इसको, मुझे भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए. वो चींटी के जैसा मुझे मुझे एक वो एक शब्द याद आया जो आपके इंट्रोडक्शन में आपने लिखा था, कॉर्पोरेट माइथोलॉजिस्ट, व्हाट इज दैट? ये मुझे थोड़ा उत्सुकता है जानने की. एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी विख्या ऑलरेडी है, लोग इसका प्रयोग करते हैं. कई सारे भक्त मुझे पूछते हैं माइथोलॉजी मतलब माइथोलॉजी इज बेस्ड ऑन मिथ. हाँ लेकिन आप तो ये पढ़ चुके हैं, आप तो जानते हैं ये साइंस है. मैंने बोला हाँ है, लेकिन ये टर्म क्योंकि इंटरनेट के इस प्रेजेंट इस सिस्टम में ऑलरेडी प्रचलित है, तो हमने सोचा कि इसको एक माध्यम बनाया जाए. क्योंकि कई सारे जो पढ़े लिखे हमारे भाई बंधु हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, तो उनके लिए कभी कभी, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा भाग्यशाली नहीं रहा या मेरे जैसा कि मुझे कॉलेज के दिनों में ही इसके बारे में पता चला, तो मेरा ये एक एक हम्बल अटेम्प्ट कहा जाए, एक प्रयास, एक विनम्र प्रयास, नम्र प्रयास मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो कॉरपोरेट में बैठे पर क्योंकि समय नहीं है कि वो मंदिर आ सके, इसके बारे में पूछ सके, जान सके. तो मैंने सोचा कि एक इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसको हम यूज कर सकते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिनमें जिज्ञासा है, परंतु क्योंकि ये जो दिन का दिनचर्या उनकी ऐसी है कि वो निकल नहीं पाए पाते इससे, उस सिस्टम एक फंस चुके. मैंने सोचा कि आज की डेट में अगर आपको किसी आदमी को प्रभावित करना है, वो एक माध्यम उसका आज अगर है तो वो है एक फोन. आपको उसके फोन में अंदर जाना, तभी आप उसके मन उसके में नहीं, उसके फोन में उतरना उसके फोन में जाना, क्योंकि उसका मन उसके फोन में है. वो बार बार उसमें देखता है, टटोलता है, देखता है कुछ आ गया, कुछ नया, कुछ सीखना है. तो फिर मैंने सोचा कि कॉरपोरेट मिथोलॉजी, कॉरपोरेट जो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हो, तो उसमें ये जो मेरा 20 वर्ष का ये एक गहरा अनुभव रहा है कॉरपोरेट में, कॉरपोरेशन के साथ काम किया मैंने, ईसाब्स के साथ, अगेन स्वीडिश कंपनी, कल्याणी ग्रुप के साथ काम किया. मैं कल्याणी में वन ऑफ द यंगेस्ट मैनेजर रहा उनकी हिस्ट्री में, 23 वर्ष की आयु में 150 लोगों को मैं वहां पे उनका ध्यान रख पाता था या रखता था. उसके बाद पुणे मैं में. सैंडविक पुणे में पुणे में उसके बाद मैं सैंडविक में आया, और करीब अभी 15-16 साल में मैंने अलग अलग वहां पे कार्यकलाप या रोल्स वहां निभाए हैं. तो वो जो एक्सपीरियंस के साथ प्लस ये जो भगवद गीता भागवत पुराण से जो भी हमें सीखने को मिलता है, और जब मैं ये देना शुरू किया, पहले मुझे लगा एक प्रश्न तो मेरे मन में भी उठा कि कोई सुनेगा क्या भगवत गीता, मतलब मैं लिंक्डइन पे भगवत गीता लिखूंगा तो लोग तो बोले अरे कौन पागल आ गया भाई यहाँ पे. जैसे जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, तो मैंने सोचा कि इसको कनेक्ट किया जाए, और मैं हैरान रह गया, चकित रह जाता हूँ आज भी. मैं अपने भाई के साथ जब बात करता हूँ, मेरे छोटे भाई के साथ, तो उन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया इस चीज के लिए, उनको भी मैं श्रेय देना चाहूंगा. तो मैंने उनको बोला कौन सुनेगा भगवद गीता भाई, कौन पढ़ेगा कि भागवतम में से मैं कोई कहानी जो लेके आऊंगा और उसे कनेक्ट भी मैं अगर कर पाया तो क्या सुनेंगे लोग. तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप कन्विंस्ड है या आपके मन की बात है, आप करना चाहते हैं, उसके लिए ऑडियंस आपको मिलेगा, लोग उत्सुक हैं ये सुनने के. और आज बहुत ही मुझे एक प्रसन्नता का एक आभास जो हो रहा है, एक सुख का आभास कहा जाए, कि एक छोटा सा एक जो प्रयास हो रहा है, मैंने धीरे धीरे देखा है कि लोग इसके प्रति रुचि प्रकट कर रहे हैं ओपनली, मेरे ब्लॉग्स में नीचे लिख रहे हैं वो आज कि हाँ मैंने भी ये कहानी सुनी थी. तो उसकी की संस्कृति तो है, बस वो याद दिलाया जा रहा है. ये एक एमनीशिया वाला जैसा पेशेंट है जिसको आप दिखा रहे हैं कि देखिए आप यहाँ सुना करते थे, ये कहानी आपने दादाजी से सुनी थी. मैंने रिसेंटली, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ ये सब्जेक्ट मैटर्स को, ताकि एक कॉरपोरेट व्यक्ति इसको इससे कुछ सीखे भी और अपनी संस्कृति के प्रति भी 2 कदम बढ़ाए. नॉट ओनली ही इज गेटिंग वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हाउ टू वर्क इन अ कॉरपोरेट एज अ लीडर,
एक्सरसाइज एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ लीडर, मतलब वो आगे भी बढ़े भौतिक दृष्टिकोण से पर आध्यात्मिक प्रगति भी करे, अपनी संस्कृति और धरोहर को भी जाने, ये मेरा इस पे एक प्रयास है। तो मैंने एक उदाहरण आपको दूंगा कि जिस प्रकार हमारे भागवत पुराण में जब ये कथा आती है समुद्र मंथन की, तो समुद्र मंथन जब होता है तो अब ये दो पक्ष हैं जो चीरकाल से शत्रु रहे हैं, एक है देवता एक है दानव राक्षस। लेकिन बाय द वे, दोनों ही कश्यप जी के ही पुत्र है कश्यप जी जिनकी के भूमि से यहाँ आए थे। पुत्र और इसलिए वहां पर ये दोनों प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी, एग्जैक्टली दैत्यों की भी और देवताओं की भी। तो कभी कभी देवताओं को पलायन करना पड़ता है, लेकिन भगवान उनको अवश्य पक्षपात करते हैं, क्योंकि देवता तो आखिर देवता है। ये तो भागवत महापुराण का सौंदर्य है। हाँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, प्लीज नहीं नहीं कंटिन्यू। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है आप। तो अब उसमें मैं इनको बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ऑल दो आपकी कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पसंद नहीं करते, शुरू से ही शायद पसंद नहीं करते, परंतु जब कोई बड़ा कार्य करना है ऑर्गेनाइजेशन के हित में तो कोलैबोरेट करना आवश्यक बन जाता। तो ये दोनों ने कोलैबोरेट किया, फिर मंथन हुआ, मंथन में बड़े प्रॉब्लम्स आए, जो पर्वत था वो दसा जा रहा था, तो भगवान विष्णु एज ए लीडर आगे फिर से। तो जब बड़े कोलैबोरेशन बड़े प्रोजेक्ट्स में जब बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तो सबॉर्डिनेट ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, तब लीडर को खुद आना पड़ता है और बहुत हम्बल पोजीशन लेना पड़ता है, और वो बिल्कुल उसके नीचे आ गए, मन पर्वत के नीचे कुर्म रूप उन्होंने लिया, इट्स वेरी लोली पोजिशन नीचे, तो लीडर को वो करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो सबॉर्डिनेट सॉल्व नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था ना राक्षसों का, समझ आ रहा ना देवताओं कि क्या किया जाए। अब तो उसके बाद अब चलने लग गया, सिस्टम चल रहा है, निकला क्या पहले निकल, तो मतलब कुछ भी प्राप्त करने से पहले जो जब ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा गोल बहुत अच्छा कुछ करना चाहती है तो इसका मतलब बीच बीच में ऐसे हलाहल टाइप की सिचुएशंस भी आएंगी कॉर्पोरेट्स में। इंटरेस्टिंग। तो जब आप इस दृष्टिकोण से ये बताते हैं कॉर्पोरेट्स को तो एक तो वो ये जागरूक हो जाता है कि भाई कोलैबोरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ ऑफ माय कॉर्पोरेट, तो वो थोड़ा अपने ईगो को सबसाइड करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो कई सारे लोग फिर मुझे पूछते हैं डीएम में भी, हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, आपने सही बोला ये, आई वॉन्ट टू गिव अप माई ईगो बट आई एम नॉट एबल टू, तो कैसे किया जाए। तो देन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टूल्स, मैं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, परंतु मुझे और एक जो उसकी जो जिज्ञासा जो होती है कि ये समुद्र मंथन ये लिखा कहाँ है, हम फिर मैं बताता हूँ भाई ये तो भागवतम में लिखा है। अच्छा ये भागवतम मतलब होता क्या है, ये एक बुक है या क्या, अगर हम बताते हैं। तो मैंने कई सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ तक वो हमारे मंदिर आए और उन्हें वो पूरा भागवतम सेट लिए, बोला कि चलो हम कुछ कहानियां तो पढ़े इसमें से। वाह वाह, तो मुझे लगा कि चलो देखिए मैं एज अ कॉन्ट्रीब्यूट, मैं किसी के जीवन में कुछ अगर वैल्यू एड कर पाता हूँ जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो जो जो सुख का आभास वो जो होता है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ कमाना नहीं है कुछ करना नहीं है, लेकिन सामने वाले में जब वो प्रगति होते हुए देखता हूँ तो बड़ा मुझे एक आनंद का आभास जो होता है। और ऑफ कोर्स मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ हम लोग जैसे जिस प्रकार आप मुझे, मैं तो उल्टा ये भी बताऊंगा कि आपने तो ये काफी कुछ कर चुके हैं अपने जीवन में, और आपका यही भाव जो मैं खुद देखा है कि आई एम डूइंग नथिंग बट आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटिट्यूड टू ए सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैंने आपके अंदर ये देखा और कई सारे जो सीनियर्स जो हमारे यहाँ पे देखे मैंने जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में इतने एस्टेब्लिश है वो भी यही कर रहे हैं, यू नो वी जस्ट पास इट ऑन, अंग्रेजी में वो कहावत है कि जस्ट पास इट ऑन, इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो यही है एक छोटा सा प्रयास है इस कॉर्पोरेट मिथोलॉजी के थ्रू लिंक्डइन पे जो मैं कुछ लेख या कुछ लिख पाता हूँ। ये जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, भगवद गीता है, भागवत है, इसको अगर हम लोग इसको, आई डोंट नो हु कॉइंड दिस वर्ड माइथोलॉजी, दिस वाज कॉइंड बाय ब्रिटिशर्स, बट एट द सेम टाइम आज जब आप देखते हो ना कि बिल्कुल ही
असंस्कृत लोग भी इसका अनुभव कर पाते हैं। फिर ये माइथोलॉजी शब्द से है ना, ये थोड़ा विश्वास उठता है, ये माइथोलॉजी गलत शब्द है, बिकॉज इफ इट इज माइथोलॉजी देन इट कैनॉट गिव यू एन एक्सपीरियंस, वो आपको अनुभव नहीं दे सकता है, लेकिन उसकी सत्यता का, उसकी वैलिडिटी का, आज की डेट में भी उसकी वैलिडिटी का वो आपको अनुभव देता है। और ये अनुभव आप तमाम आपके सोशल सर्कल में इसको साझा कर रहे हो और बहुत बढ़िया से कर रहे हो, मैं जानता हूँ। ये एक बहुत डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको दे जाता है। आपको क्या लगता है कि ये ज्ञान हरेक के हृदय तक अगर पहुंचे तो ये समाज में कितना छोटा या कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? देखिए, आज के समाज में या कुछ जैसे हमने मेरी जो ये जो यात्रा रही इस जीवन की, कई सारे जो कष्ट झेले, तो उसके कई सारे जो मैंने बताए कारण, एक अच्छी लीडरशिप न होना या जात पात के चक्कर में रह जाना या धर्म के नाम पे पक्षपात हो जा होना, तो इन सब का जो निवारण, जो ये सबसे बड़ा जो ये लगता है रीजन, मुझे लगता है ये है कि हमें लगता है कि हम अलग अलग फैमिली के, मुझे लगता है कि आप मेरे भाई नहीं, मुझे लगता है वो मेरा पड़ोसी भी मेरा, मेरे से इसको कोई संबंध नहीं है इसका, क्योंकि मैं इसको जाति के रूप में देखता हूं। हर कोई चाहता है, अगर आप किसी भी पूछे, वो चाहता है कि भाईचारा बने, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पर ऐसी भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि ये सपना, स्वप्न देखना बहुत अच्छा है, कि आप चाहते हैं कि पूरे संसार भर में भाईचारा बने रहे, सब लोग बढ़िया से रहे, अच्छे से रहे, परंतु यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिवर्सल फादर। अगर आप बोलते हैं भाई मेरे पिताजी तो वो हैं, मैं बोलता मेरे पिताजी ये हैं, तो फिर हम आपस में भाई कब, हम तो बन ही नहीं पाएंगे कभी। तो आध्यात्मिक जीवन का एक्चुअली मूल सूत्र वही है कि भाई हर एक के जो परम पिता है वो भगवान है, आप नाम अलग अलग है। अगर ये कोई समझ जाए, और ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझे हैं, कुछ लोग हैं जो समझे हैं इस चीज को, और ऑफ कोर्स देयर इज विल बी ऑलवेज अ क्लास जो नहीं समझ पाएगा शायद, जो या समझना चाहते हैं नहीं। परंतु ये मैंने देखा है कि सनातन धर्म की संस्कृति, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, आप हर कोई भी ग्रंथ लीजिए, मैसेज बिल्कुल सेम है। हमारा ही ऐसा एक सनातन धर्म का कल्चर है, जहां आप पाश्चात्य देश का आदमी भी साधु बन के रह रहा है, अफ्रीका का, इंडिया, भारत का, क्योंकि वो उस स्तर से ही निकल जाते हैं जात पात के, वो स्तर पे बात करते नहीं, वही बात करते हैं कि भाई आप भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, हम एक दूसरे को कैसे सहायक बने इस यात्रा में, ताकि हम सबका जीवन सफल बन सके। ये आध्यात्मिक जीवन जो आप पालन करने का प्रयास करते हैं, क्या ये आपके इस भयानक भूतकाल से आपको उभरने के लिए मदद किए, और आज जो आप जीवन जी रहे इसमें भी वो आपको सहायक है, या आपको ये पीछे खींच रहा है, कोई ऐसा आपको लगता है? बहुत 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 ही आवश्यक प्रश्न आपने पूछा है। मुझे नहीं लगता कि मुझ कोई और औषधि काम कर सकती है। ये बीमारी कोई शरीर की बीमारी नहीं थी, ये मैंने बोला जैसे कि हमारे अंतरात्मा के जो झंझोड़ के जो रखने वाली ये जो कठिनाइयां हमें मिली, ये हमारी आत्मा के ऊपर एक धब्बे थे, ये एक जख्म थे, जो नॉर्मल दवाइयों से कभी आपका अंगूठा कट जाए तो वो तो ठीक हो जाता है समय से, परंतु अंतरात्मा के जख्म ये भौतिक दृष्टि से कभी भर नहीं सकते, समय भी नहीं इनको भर पाता, इनको सिर्फ एक आध्यात्मिक जीवन शैली ही बदल पाएगी, क्योंकि ये मैंने खुद अपने आप में अनुभव किया है कि जब से मैं आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा लगा, भगवत गीता जब से मैंने पढ़ना, जो भी सारे आपके प्रश्न है, पहले तो वो साफ हो जाते हैं, डाउट क्लियर हो जाता है, और जब आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो जब आपको रास्ता साफ दिखता है, जब आप उस रास्ते पे चलने लगते हैं, तो जो जो वो लिखा है उस भगवत गीता में, वो प्रत्यक्ष रूप से
देख पाते हैं अपने जीवन में कि हाँ ऐसा हो रहा है। इंद्रियों पे संयम होना, या जब खुशी मिली तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, जब दुख होना, तो जैसे, और ये ऐसी चीजें जो अब साइंस में बहुत ही एग्जॉल्टेड, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट बड़े बड़े चार्ज करते हैं, ये भगवद गीता के आपके दूसरे अध्याय में ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत ही बेसिक है, मतलब शीतोष्ण सुख दुख दहा, कि यार चिंता मत करो, जो ये जो टॉलरेंस है ये आप टॉलरेट कर दीजिए। क्यों क्यों, ये जो सुख दुख है ये तो मौसम के जैसा है, एक साइकिल है। सुख आएगा तो फिर दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। तो इससे इतना आपको पीड़ा महसूस करना या इतना बहुत ही डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई मीन आई कैन टेल यू ऑनेस्टली, अमेरिका में यही किसी को समझाने के लिए लाखों रुपया चार्ज करते हैं वो, और हमारे यहाँ भगवद गीता में ये दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण फ्री में दे रहे हैं। तो जिसको खुले मन से, जो उसको लेना चाहे, मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि किस प्रकार, मैंने अपने पिताजी को देखा, उन्होंने अपना जीवन में शैली कैसा लिया। वो जो कोई अगर आपको इतना कष्ट दे तो बदले की भावना तो रहती है, लगता है कि मैं वापस इसको कुछ करना चाहूं, इसकी वजह से मुझे कष्ट। पर मेरे पिताजी में ऐसा कभी भावना नहीं आया, उन्होंने बोला जो होना था हो गया, मैं आगे का देखता हूँ। और यही कॉर्पोरेट में इसको पॉजिटिव थिंकिंग, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कहा जाए टर्मिनोलॉजीज को, और लाखों करोड़ रुपए लेते हैं वो, ले बहुत अच्छी बात है, परंतु ये आध्यात्मिक जीवन का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ज्ञान है, जिसे अगर हम अपने जीवन में उतारें तो जीवन बड़ा सुखमय बन सकता है। यू आर एबल टू फाइट, ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, ये मेरा कथन नहीं है, परंतु मुश्किलों को कैसे आप शांत मन से उन्हें समझ सकते हैं, उनसे उन्हें झेल सकते हैं, या उन उनसे उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई फैंटेसी नहीं है। तो फैंटेसी वाले वो रिस्पॉन्ड कोट्स, नॉट रिएक्ट. या फैंटेसी वाले वो कोट्स नहीं है, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, जस्ट लुक पॉजिटिव, अरे जस्ट स्माइल, कीप स्माइलिंग, वो वैसा वो नहीं, 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 ऐसा नहीं है। वो आपको पूरा साइंस बताता है। भगवद गीता इज नॉट सम फिक्शन और सम जस्ट फिलोसफी, इट इज साइंस। तो यही साइंस Tell me जब one हम, thing, पंडित जी, कॉर्पोरेट ओवरऑल ये लाइफ में पैशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टू परस्यू गोल्स, टू अचीव योर टारगेट्स, टू सेट अ बेंचमार्क, ये सब इम्पोर्टेंट होता है. एंड द नॉलेज ऑफ भगवद गीता एंड उसका जो विज्ञान, जैसे आपने अच्छी तरह समझा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, ये आपको एक सरे से थोड़ा डिटैच बनाती है, या फिर इट टेक्स यू अवे फ्रॉम पैशन, आप थोड़ा सेटिस्फाइड है. तो सेटिस्फाइड व्यक्ति ग्रोथ कैसे करेगा? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाता है? ये मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि सेटिस्फेक्शन मतलब निष्काम हो जाए, मतलब वो अब वो कुछ कर्महीन, मतलब वो अब कोई कर्म नहीं करने वाला, वो बैठने वाला, ये धारणा है। अगर वैसा होता था तो भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन एक्शन मोड में कैसे आ गया? ये कोई पूछता ही नहीं है कि भाई 18 दिन, तो उसने उसके बाद पूरा 18 दिन नॉन स्टॉप फाइट करना था, ये कहाँ से आ गया भाई? भगवान ने बोला कि भाई तू कुछ, तो अगर कुछ ना करने के लिए बोला था तो भाई सेटिस्फाइड हो गया, तो फिर क्या हो गया उसको अचानक? मैं आई थिंक ये एक, वो जैसे कहा, आई डोंट नो, अब कहा क्या कहा जाए, ऐसे वर्ड जगलरी कहा जाए या क्या कहा जाए, भगवद गीता ऐसा कहीं नहीं बोलती। उल्टा मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा भी है गीता में, तो कृष्ण तो उल्टा डांटते हैं अर्जुन को, भाई तुम मूर्ख को एक नंबर के, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोलता कि मैं कर्म नहीं करना चाहता, मैं तो बस अपना कमंडलू ले लूंगा, भिक्षा भिक्षाम दे ही मेरा गुजारा हो जाए। मतलब वही कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं जाऊंगा 2-3 जगह भिक्षा लूंगा, आई एम सेटिस्फाइड, भाई मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला कैसे कर पाओगे? पहला वाला ही वो जो भिक्षा नहीं देगा तुम तो उसकी गर्दन काट दोगे, तो तुम तो और बड़े पाप के भागीदार बन जाओगे। तो इसलिए बात सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन का अर्थ ये नहीं कि भाई अब ये कुछ नहीं करे,
सेटिस्फेक्शन का अर्थ ये है कि वो काम सही दृष्टिकोण से, वो एंड रिजल्ट को अपने मन में लेके काम करना, कि इस विद प्लस विद डिटैचमेंट कि मैं अपना काम करूंगा, आई विल पुट माई एफर्ट्स। पर आज अब देखिए जो बड़े बड़े कोचेस का सुनिए, आजकल वो यही बात करते हैं कि यू गिव योर बेस्ट। हाँ, वो ये नहीं बोलते रेस्ट यू लीव अप टू गॉड, वो नहीं बोलते, वो यहाँ तक आके रुक जाता है कि यू गिव योर बेस्ट, डोंट लिव विद रिग्रेट। अरे वही तो अर्जुन को बता रहे कृष्ण, भाई तू कर्म करते रहे, तो फल की चिंता मत कर। कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतना कुछ हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने हथियार नहीं उठाए। अब भगवान तो अर्जुन को कहे कि हथियार उठाओ, तो आपकी समझ में कश्मीरी पंडितों ने हथियार उठाना आवश्यक था या नहीं था? कि कश्मीरी पंडितों ने जो आज जहां जहां पे है, जैसे मैंने बोला, वो तो बुलंदियां छू रहे हैं काफी सारे लोग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तलवार जो उठाई, उन्होंने तलवार उठाई, मैंने तलवार उठाई, पर वो तलवार है ज्ञान की तलवार, द सोर्ड ऑफ नॉलेज। क्योंकि मुझे अपनी जो मेरी प्रवृत्ति उसके अनुसार मुझे कार्य करना, मेरा फौजी ये उठाएगा नहीं, उसका हथियार अलग। पर मोस्ट बिकॉज वी वर ब्राह्मण्स या वट एवर पंडित क्लास, वी वर वर्किंग क्लास, तो हमारे लिए एक ज्ञान की तलवार भगवद गीता ने जो एटलीस्ट मुझे जो सहारा मिला, तो मैंने सोचा मैं इससे मैं अपने जो मेरे मन के शत्रु जो मुझे पीड़ा दे रहे थे, इतना सालों से चल रहा था, मैंने सोचा कि नहीं, और इससे वो जरूर कटते हैं, खुलते हैं। ये एक और संदेश मैं देना चाहूंगा, ये सिर्फ एक कश्मीरी पंडित नाते या किसी कश्मीरी पंडित को मैं नहीं दे रहा, ये मैं हर एक उस व्यक्ति को देना चाहूंगा जो आपकी चैनल से जुड़ा है, जो ये देखेगा कार्यक्रम, कि भाई अगर तुम कहीं भी फंसे हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जीवन का जिसका उत्तर इसमें नहीं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मेरे पास जब उन्होंने जापान के राजा को भगवद गीता भेंट किया, तो उन्होंने राजा को बताया कि आप राजा, बोला ऐसा तो मेरे पास कुछ है नहीं कि भाई आप तो राजा, आप राजा को मैं क्या। तो उन्होंने बोला देखिए ये ऐसा ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं, इससे बड़ी वस्तु मेरे पास देने के लिए नहीं है और आपके पास लेने के लिए, लेने के लिए। ये है भगवद गीता वेरी। एक आखिरी रिक्वेस्ट जी, जी आप जी, जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो इस भगवद गीता के ज्ञान का अवलंबन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये संभव हुआ है। ऐसी एक बड़ी कम्युनिटी है जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, भक्ति योग को फॉलो करती है, ऐसे भक्तों को आप आपके अनुभव से क्या सलाह देना चाहोगे? वैसे वो भक्त लोग तो सब जानते हैं कौस्तुभ जी, पर परंतु फिर भी एक जो मैं देना चाहूंगा संदेश वो यही है कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में एक ही चीज जो है वो परमानेंट है, बाकी सब इम्परमानेंट है, पर एक चीज वो है चेंज, बदलाव। बदलाव आता है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी। लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, हमको कोई चीज परमानेंट चाहिए, अगर धन है तो वो परमानेंटली अर्जित करे, बंगला है तो परमानेंटली मेरा, नौकरी है तो परमानेंट है कि टेम्पररी है, हम तो बताते हैं ना ऐसा, जब भाई नौकरी लगे टेम्पररी लगे हो या यू नो, तो हमको हर कोई परमानेंट चीज चाहता है, पर परमानेंट यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद देख लिया अपने जीवन 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा, मेरे फादर एक राजा की पदवी से रंक कैसे बने, ये मैं अपनी आंखों से देख लिया, 24 घंटे भी नहीं लगे। हर एक को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा परीक्षा है कौस्तुभ जी जो एक्सटेम्पोर है, मतलब ये किसी भी दिन आ सकती है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा संदेश जो मैं देना चाहूंगा आपके भगवद गीता के जो अनुयायी हैं, जो इसे पाठ करते हैं, उसे जीवन में उतारे हैं, वो ये कि दिस
रियली वर्क्स, हैव फेथ, आई हैव सीन इट, दिस इज वर्किंग, इस परफेक्ट साइंस है। कभी भी आपके मन में वो आशंका मत रखे, शंका मत रखे कि पता नहीं यार ये तो कृष्ण, यार वो तो तब युग अलग था, वो तो यार राजा महाराजा था, अर्जुन के बहुत पैसा वैसा था, वैसा नहीं। ये हर एक व्यक्ति जो गीता को एक नम्र भाव से उसकी तरफ जाएगा, इस ज्ञान के प्रति, ये ज्ञान उसको जरूर शरण देता है और उसे ऊपर भी उठाता है। अमेजिंग। तो आपकी ये जो जीवन यात्रा है, ये एक बहुत ही अलग दौर से गुजरती हुई आज जिस मुकाम पर आप खड़े हो, ये काफी सराहनीय है, काफी प्रेरणादायी है, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। और मैं समझता हूँ जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है वो हमें और मजबूत बनाती है, एक और सुलझा हुआ नागरिक बनाती है, सुलझा हुआ इंसान बनाती है। नहीं तो ये जो शास्त्र का विधान है, इसको अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो उसे माइथोलॉजी लोग कहेंगे और हम उसको माइथोलॉजी मानेंगे, उसको इग्नोर करेंगे और इससे हमारे जीवन में काफी सारी हानि हो सकती है, हमारे जीवन का लक्ष्य चूक सकता है और नाना प्रकार के दुखों को हमें एक प्रकार से उसका सामना करना पड़ सकता है। तो विक्रम जी, ये करीब करीब अभी 32 साल हुए वो अपने घर को छोड़े हैं, लेकिन उन्हें एक नया परिवार प्राप्त तो हुआ, वो तारीख उन्होंने बताई 25 फरवरी 1999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस परिवार के अंतर्गत पूरे विश्व भर में वो भ्रमण करते हैं अपने कार्य की वजह से, अपने काम की वजह से, और साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का अनुभव करके उसका प्रचार करते हैं। ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और मैं चाहूंगा, वे लिंक्डइन पे काफी एक्टिव है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्डइन के प्रोफाइल की लिंक दे रहा हूँ और साथ ही साथ उनका ट्विटर हैंडल भी है, उसका भी लिंक दे रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर यू हैव अ फेसबुक पेज और नॉट, आई एम नॉट, बिकॉज मैं फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं होता हूँ, बट मैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप अवश्य उनसे कनेक्ट कीजिए, उनके पास जीवन के बहुत अनमोल अनुभव है जो मैं चाहता हूँ किसी को अपने जीवन में न देखना पड़े। ऐसे दिनों को, ऐसे आयु के दौर को उन्होंने देखा है, तो उनके अनुभव का आपको अवश्य लाभ होगा और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ विक्रम जी, बिकॉज आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मुझे पता है आप काफी सेवाएं भी करते हैं और साथ ही साथ आपका जो कार्य है, जो आपका प्रोफेशन है, वो भी काफी टाइम डिमांडिंग है। इसके बावजूद भी ये 2 पौने 2 घंटे हो गए अभी हम चर्चा कर रहे हैं और समय कैसा उड़ा पता ही नहीं। और इस प्रकार से आप समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर भी, जो क्योंकि आपका एक देखने का जो नजरिया है ना भगवद गीता की तरफ और उसके तत्वों की तरफ, उसके सिद्धांतों की तरफ, ये एक बहुत ही हटके है, थोड़ा अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में अगर हम कनेक्ट हो सकते हैं और जरूर जनमानस के लिए इसके इसके अलग अलग जो पहलू है वो उनके सामने रख सकते हैं, तो ये एक समाज कल्याण का कार्य अवश्य हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत मेरा भी धन्यवाद। खुद का एक मैं कहूंगा कि भाग्यशाली हूं कि आपसे मेरा भेंट हुआ और आपसे ही मुझे निजी तौर पे मुझे काफी प्रेरणा मिलता है, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आगे भी कभी भी आपके साथ जुड़ने का ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, इससे भी मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। कभी भी आप मुझे याद करें, हम उपस्थित हो जाएंगे कोई भी सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, तो बहुत मिलते बहुत हैं धन्यवाद। और एक बढ़िया इंटरव्यू के साथ आने वाले समय में। ऐसे अलग अलग भक्तों के इंटरव्यू हम करते रहेंगे, अलग अलग व्यक्तियों के इंटरव्यू करते रहेंगे। आपको पता है हमारे बीच एक प्रभु जी है हु वर्क्स फॉर डी एडिक्शन, हमारे अच्छा, नागरानी। मैं चाहता हूँ कभी उनके साथ एक इंटरव्यू करें तो देखेंगे, यस क्योंकि ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है एडिक्शन का हमारे युवाओं में, और उन्होंने इस संपूर्ण दौर को जिया है, किस प्रकार से एडिक्शन जीवन को उध्वस्त करता है और उससे बाहर आना कितना कठिन है, और बाहर आने के बाद जीवन कितना सुंदर हो सकता है। तो देखते हैं, अगर उनसे कभी चर्चा करने का मौका मिले तो हम अवश्य करेंगे।
लेकिन अब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।